बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी के बीच में होगा। और जब आप बनारस का नाम लेते हैं तो मोहम्मद शाहिद साहब का संस्मरण आपको जरूर होता है। जब आप बेंगलोर का नाम लेते हैं तो साबू वार्की से लेकर हरी प्रसाद और तमाम उन खिलाड़ियों की चर्चा हम पूरे मैच में करेंगे। यह है बेंगलोर यूनिवर्सिटी की टीम जिनके कोच मनोहर कटके साहब हैं। बेंगलोर यूनिवर्सिटी अपने पूल ए में तीनों के तीनों मैच कर जीत कर आई है। जामिया मिलिया जैसी मजबूत टीम को 5-0 से हराया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने अपना मैच फॉरफिट कर दिया था और फिर एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक को इन्होंने 2-0 से हराया था। जी हाँ सुनील, और जितना हॉकी मैंने देखा है ये है प्रदीप खालको, हेड कोच जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। जितना मैंने देखा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में हॉकी की प्रतियोगिता में, दोनों ही यूनिवर्सिटीज जो कर्नाटका से आई है, बैंगलोर यूनिवर्सिटी बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत ज़बरदस्त थी। ये था बैंगलोर यूनिवर्सिटी का रास्ता सेमीफाइनल्स तक। एमडी यूनिवर्सिटी को 2-0 से हराया, जो अगले सेमीफाइनल में दिखेंगे। जामिया और एमजी काशी जो PHU की 7 यूनिवर्सिटी लगकर बिल्कुल है, पूर्वांचल दूसरी यूनिवर्सिटी है जो दुनिया के उसी कोने से निकल कर आती है। और ये है रास्ता BHU का, SB पूर्वांचल जिसका हमने जिक्र किया, LNIP ग्वालियर को 5-1 से हराया। बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो खेलेगी अगले मैच में MBU रोहतक के साथ, उनसे ये बुरी तरह से हारे थे। एक मैच में 5 गोल किए, एक मैच में 5 गोल कंसीड किए। दोनों कोचेस जरूर भारत के इसी क्षेत्र से हैं, मनोहर कटके और प्रदीप खालको। यह है बैंगलोर यूनिवर्सिटी की टीम, इनके 5 अलग अलग खिलाड़ियों ने एक एक गोल किया है। नंबर 3 राजीव रंजन हो या हर्षदीप कपूर हो, इनफैक्ट बैंगलोर यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर एम लिखित हैं। नंबर 6 दोनों के दोनों उन्होंने फील्ड गोल किए हैं। सुमन्ना ने एक गोल किया है, मोहम्मद फहाद पे नजरें रखिए एक गोल कर चुके हैं, पवन मदीवलार एक गोल कर चुके हैं, हर्षा और शमन के नाम भी एक एक गोल हैं। 6 अलग अलग खिलाड़ी हैं जो गोल कर चुके हैं, लेकिन एक भी पेनल्टी कॉर्नर से गोल नहीं हुआ, सारे गोल इनके फील्ड गोल हुए। BHU has got a good mix of attack and defense. Let's see how they will hold up. This is the lineup for the BHU. Salman Khan, Mohammad Salman Khan, watch out for both of them. Rajiv Ranjan does a 360 or 180, depends on what he would like to do in the penalty corners. Watch out for him. He's a slippery bugger when it comes to the penalty corners. Dekhna hoga Bangalore University ke saath. और पेनल्टी कॉर्नर से अभी भी इनकी तरफ से गोल होने बाकी हैं। हम तैयार हैं इस पहले सेमीफाइनल के आगाज के लिए। बैंगलोर यूनिवर्सिटी पहले 2 क्वार्टर्स में रेड एंड व्हाइट में है, आपकी स्क्रीन के राइट टू लेफ्ट अटैक कर रही है, और BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भारत की एक ऐतिहासिक यूनिवर्सिटीज में से एक है, वो पहले 2 क्वार्टर्स में लेफ्ट टू राइट अटैक करने वाली है। 3-4-3 से बैंगलोर यूनिवर्सिटी कर्नाटका शुरुआत कर रही है, एक बहुत ही डीप मिडफील्डर खेल रहा है दोनों फुलबैक्स के बीच में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मेशन जो इंडिया के डोमेस्टिक हॉकी में खेला जाता है, 4 फॉरवर्ड्स 4 मिडफील्डर्स एंड 2 फुलबैक्स, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन जिसे हम मानते हैं, किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं। सिर्फ एक है जो हर्षदीप कौर है, वो बहुत ही डीप खेल रहे हैं। हर्षदीप सिंह कपूर, हर्षदीप कौर आपके नाम पे, आपकी जबान पे नाम आना लाजमी है, बड़ा सुरीला गाती हैं वो, और सुरीली हॉकी देखने को मिले सेट बहुत सारे। ये हैं हर्षदीप कपूर जिनके पास बॉल है, एक गोल भी कर चुके हैं पाजी अपनी टीम के लिए, सेंटर फॉरवर्ड हैं, हाल थोड़ा सा पीछे हटके इनफैक्ट सेंट्रल मिडफील्डर की भूमिका में खेल रहे हैं हर्षदीप सिंह। लेफ्ट में लंबी बॉल देने की कोशिश, लेकिन उनके साथी के सामने एक विरोधी थे। It's a warm morning, Sunil, and probably things like that affect the pace of the game. Hockey, of course, is an extremely intense game, and you have to reserve something in case you're trailing at the end. You have to have something left in the tank. BHU, good positive start for them. They would want to get at least a penalty corner, make some sort of chance to put Bangalore under pressure. It is a circle penetration for BHU, only a long corner. लॉन्ग कॉर्नर 4 साल हो चुके हैं, आज के अंपायर से भी आपका तारुफ करवा दें, संजीव कुमार हैं और अनंत डांगी हैं। लॉन्ग कॉर्नर 23 मीटर लाइन से लिया जाता है राइट फ्लैंक से, BHU एक रास्ता तलाशने की कोशिश में है। गौरव कुमार उनके कैप्टन ये हिट इनके साथ तैयार हैं जर्सी नंबर 4 में।
फिर से लॉन्ग कॉर्नर के लिए बॉल गई है। लेफ्ट अपने फ्लैंक को पूरी तरह से पैक करके चल रही है बैंगलोर यूनिवर्सिटी कर्नाटका। अगर ये बॉल स्विच नहीं करेंगे तो राइट फ्लैंक पर चांस बना नहीं पाएंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को चाहिए कि स्विच करें, ये बेहतर है। हर्षदीप फ्लैंक स्विच करते हुए कोशिश में, हॉट चैनल जिसे हम कहते हैं, जो बीच का रास्ता होता है गोल के लिए, बैंगलोर ने उसे पूरी तरह से पैक कर दिया है। गलत बॉल, हर्षदीप का पोजेशन खो बैठे और पहली बार बैंगलोर यूनिवर्सिटी अब अटैक में दिखाई दे रहे हैं। राइट फ्लैंक से अटैक की शुरुआत की है, लॉन्ग कॉर्नर उनको मिलेगा। एक्शन में बेलियप्पा थे, जर्सी नंबर 9। अटैक बैंगलोर का है, लेकिन अंपायर का कहना कि थोड़ा इंतजार कीजिए। जहां से फाउल हुआ है एग्जैक्ट उसी स्थान से, और पहला पेनल्टी कॉर्नर बड़ी चतुराई से बनवाया। विरोधी खिलाड़ी के पैर सामने दिखाई दिए, उसको ढूंढिए, पेनल्टी कॉर्नर बनवाइए, अच्छी नीति है। डिफेंसिव लैप्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, ये दिस कुड बी एक्सपेंसिव फॉर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। दे हैव मेड सच अ पॉजिटिव स्टार्ट बट कंसीडेड अ पेनल्टी कॉर्नर, लॉस्ट कॉन्सेंट्रेशन हियर। वॉच आउट फॉर नंबर 22 ऑन योर स्क्रीन्स फ्रॉम बैंगलोर यूनिवर्सिटी। That is BP Somanna, injector. Injector है number 11 पवन मधिवलार। Injection तेज होनी चाहिए ताकि first rusher को beat करे। Somanna it is, और अच्छा save। पहला हमला बचा लिया है BHU ने। बहुत ही बढ़िया save, goal line save। और first rusher की बहादुरी की तो हम बात करते हैं, मगर जो गोल लाइन पे डिफेंडर होता है, जो ड्रैग फ्लिक को फेस करता है सीधे, वो भी बहुत बहादुर डिफेंडर होता है। सी दैट ऑन द रीप्ले, इट्स नेवर एन इजी स्किल एंड BHU आर अब्सॉर्बिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर हियर, दे हैव गॉट टू बी केयरफुल। आकाश पाल उनके गोलकीपर इस बार फुटबॉल के स्टाइल में बॉल को किक किया, नजर डालें पीसी पर। ये देखिए बहुत अच्छा ड्रैग फ्लिक था, मगर BHU के नंबर 3 जिसका हमने जिक्र किया था पेनल्टी कॉर्नर अटैक में, राजीव रंजन पेनल्टी कॉर्नर के डिफेंस में भी अपना योगदान देते हुए। और ऐसे कई खिलाड़ी होते हैं, जुगराज सिंह सबसे पहला नाम ध्यान में आता है, जो स्कोर करते भी थे और जब उनके भारत के खिलाफ जब पेनल्टी कॉर्नर मिलता था तो जुग्गी पाजी बचाते भी थे, फर्स्ट रश करते थे, इसे सुसाइडल रश कहा जाता है, और हमेशा वो वॉलंटियर किया करते थे कि कोच साहब मैं दौड़ूंगा पेनल्टी कॉर्नर बचाने के लिए। ऐसे जो जिगर वाले खिलाड़ी हैं, हर एक युवा प्लेयर के आदर्श होने चाहिए। ट्रैपिंग में थोड़ी सी गलती वहां मिडफील्ड पर, मगर मामला संभाल लिया है बैंगलोर यूनिवर्सिटी अब मिडफील्ड में अपना दबदबा बनाते हुए। और जुगराज सिंह की इनफैक्ट बात याद आई, थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पर देखा था, चूंकि वो पंजाब पुलिस में DSP हैं, तो पंजाब पुलिस ने एक बहुत बड़ी तस्करी की खेप पकड़ी थी, काफी ड्रग्स और हथियार पकड़े थे, और उस टीम में जुग्गी पाजी भी थे, मुस्कुरा रहे थे बैठ कर एज अ पुलिस मैन। ड्रोन शॉट पेनल्टी कॉर्नर का, ये देखिए सोमन्ना का बहुत अच्छा ड्रैग फ्लिक, ऑन टारगेट प्रयास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, एक अटैक बनता हुआ राइट फ्लैंक से। आलम फिरोज हैं, अच्छा लंबा पास उनको मिला है और पोजेशन अपने पास रखने में BHU कामयाब हुई है। हिट इन मिलेगी, अनवरुल्ला शाह आ चुके हैं, राजीव रंजन, सुधीर तिर्की। उस फ्लैंक पे आपको बॉल निकालना ही होगा सुनील, अनलेस आपके पास कोई बेहतरीन फॉरवर्ड हो, ललित उपाध्याय जैसे, जो स्किल अपना यूज करके सर्किल पेनिट्रेशन अपने आप ही बना ले, आकाशदीप सिंह की तरह या रमनदीप सिंह की तरह, वरना आपको बॉल स्विच करना ही होगा, क्योंकि जब वहां पर फाउल बनता है तो जो डिफेंसिव टीम होती है उस साइड को पूरी तरह से पैक कर लेती है, तो आपको फ्लैंक स्विच करना ही होगा, तब जगह मिलेगी आपको। बार राइट नहीं, लेफ्ट फ्लैंक से गए हैं, राजीव रंजन के पास बॉल है, पहले ये राइट फ्लैंक में नजर आ रहे थे, दोनों फ्लैंक्स में राजीव रंजन सक्रिय हैं, पेनल्टी कॉर्नर सेविंग में भी राजीव रंजन सक्रिय थे, और ये हैं हर्षदीप कपूर, एक गोल इनके नाम है। हॉट चैनल में बॉल देने की कोशिश, साथी हैं, बॉल के थोड़ी सी हवा में थी, थोड़ा इंतजार किया गोलकीपर चौकन्ने, AC सुब्रमणि, बिल्कुल AC जैसा ठंडा दिमाग है इनका, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इंतजार कर लिया उन्होंने, इतना वक्त आपको पेनल्टी सर्किल में नहीं मिलेगा, जो सबसे अच्छे फॉरवर्ड होते हैं, जो टॉप स्कोरर्स होते हैं,
वो उन्हें हाफ चांस कन्वर्ट करने की आदत होती है, यहाँ तो पूरा चांस आलम फिरोज को मिला था, बहुत ज्यादा वक्त ले लिया उन्होंने और मौका गवा बैठे। और मौका बनाने की कोशिश में है पवन मदबिलार, बेंगलोर यूनिवर्सिटी के लिए दूसरा डीप पेनिट्रेशन है, 1-2 खेलते हुए गोलकीपर पे प्रेशर है, अंपायर ने कहा लीजिए आपका दूसरा पेनल्टी कॉर्नर, जबरदस्त काउंटर अटैक बेंगलोर यूनिवर्सिटी का और एक अर्ध सफलता ही सही पेनल्टी कॉर्नर मिल गया है। यहाँ 7 मिनट के अंदर अंदर बेंगलोर यूनिवर्सिटी ने अच्छे खासे चांसेस बना लिए है, 2 पेनल्टी कॉर्नर बना लिए है, ये होता है खामियाजा भुगतना पड़ता है जब आप चांसेस नहीं लेते अपने। दूसरे एंड पर बैंगलोर यूनिवर्सिटी ने अपना दूसरा पेनल्टी कॉर्नर बना लिया है, ड्रैग फ्लिकर बहुत अच्छे है बैंगलोर यूनिवर्सिटी के पास, एक प्रयास हो चुका है गोल पे, राजीव रंजन की बहादुरी के वजह से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यहां नहीं पिछड़ रही है। इंजेक्शन के लिए तैयार, 2-2 कासल, 2-2 बैटरीज तैयार है, पहले कासल से ही अटैक है और ये अटैक वाइड है, इस बार गोलकीपर या डिफेंडर को मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। निराश होंगे क्योंकि सबसे पहली बात अगर आपको आपका कोच कहता है वो ये होता है कि ड्रैग फ्लिक या कोई भी प्रयास हो आप हिट भी लो वो ऑन टारगेट होना चाहिए, गोलकीपर को लग के रिबाउंड मिल सकता है, बॉल रेज्ड हो सकती है, आपको फिर से पेनल्टी कॉर्नर मिल सकता है, रिबाउंड पे चांस हो सकता है, मगर अगर आप प्रयास अपना बाहर ही फेंक देंगे तो फिर कुछ हाथ नहीं लगना है। यही वो प्लेयर हैं जिन्होंने पिछली कोशिश की थी, सोमन्ना ठीक रघुनाथ की तरह ये भी अटैक में काफी शरीक हो रहे हैं, लेकिन 2 अटैक सेट दोनों टीम्स की तरफ से हमने देखे हैं, बैंगलोर ने दोनों अटैक्स में एक एक पेनल्टी कॉर्नर बनवाया है, बीएचयू के दोनों अटैक्स में धार नहीं दिखी है। जी हाँ, बैंगलोर यूनिवर्सिटी डेफिनेटली फेवरेट्स है इस मैच में और बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी दूसरे सेमीफाइनल में भी फेवरेट्स है, ऑल बैंगलोर फाइनल हो सकता है हमें देखने को मिले कल, बीएचयू इसीलिए जितने चांसेस इन्हें मिले पूरा पूरा फायदा उसका उठाना ही होगा। बैंगलोर यूनिवर्सिटी ने पूल स्टेज में कोई मैच हारा नहीं है, तीनों के तीनों मैचेस जीते, वे पूल ए से आते हैं। लेफ्ट फ्लैंक में मोहम्मद सलमान खान हैं बैंगलोर यूनिवर्सिटी के लिए, मदद मौजूद है, सामने बीएचयू के नंबर 14 चौकन्ने थे संदीप करकेटा, अच्छी डिफेंडिंग संदीप करकेटा की, पैर बचाकर पेनल्टी कॉर्नर उन्होंने कंसीड नहीं किया, मुश्किल की घड़ी थी वहां पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए। ये रहा है उनका बेंच और बेंच को अपना रोल अदा करना होगा, बिकॉज इट्स अ वार्म मॉर्निंग सुनील, वी हैव ऑलरेडी सेड दैट हॉकी इज अ वेरी फिजिकली टैक्सिंग टायरिंग स्पोर्ट, दैट्स व्हेन यू यूज योर सब्स्टिट्यूशंस, और अब तक कुछ ज्यादा सब्स्टिट्यूट किसी भी बेंच ने यूज नहीं किए हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पर कितने प्लेयर आपके पास अवेलेबल हैं, ये क्या कमाल का प्रयास जरूर था, और अब पेनल्टी कॉर्नर दिया गया है, एक डिफ्लेक्शन करवा के फील्ड गोल करने की कोशिश थी, बिल्कुल चौंका दिया उन्होंने बीएचयू के गोलकीपर मनीष कुमार यादव को। मनीष कुमार यादव पूरी तरह बीट हो चुके थे, जबरदस्त बेहतरीन बॉल वहां पर और बहुत लकी की बॉल फंस गई, ही डिड नॉट नो मच अबाउट दैट सुनील, बट इट विल रिजल्ट इन अ पेनल्टी कॉर्नर बिकॉज द बॉल वॉज स्टक अंडर द गोलकीपर, स्ट्रेट पेनल्टी कॉर्नर थर्ड for them in under 10 minutes. It just reflects the dominance that Bangalore University Karnataka has had in the opening exchanges here. उसे लगता है कि इस बार शायद कोई variation हो क्योंकि Bangalore का एक player शमंत थोड़ा side में खड़ा है, injector वही है, पवन single castle के साथ जा रही है, ये लीजिए वही variation है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट प्रयास, वो भी विफल, कोशिश बुरी नहीं थी, कुछ नया करना चाहते थे बेंगलोर यूनिवर्सिटी। जी हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने वेरिएशन को रीड कर लिया, फर्क यही था उन्हें पता था कि वो डायरेक्ट प्रयास नहीं लेंगे, स्विच करेंगे, यहाँ जब ये स्विच करने गए तब हर्षदीप की यहाँ प्रशंसा करनी होगी, बहुत ही अच्छा डिफेंडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग मैं कहूंगा। Sports is all about anticipation. आप अपने विरोधी से हमेशा एक कदम आगे रह पाते हैं या नहीं, चाहे वो हॉकी हो या बैडमिंटन हो या रेसलिंग हो, इवन वेट लिफ्टिंग हो, अपने विरोधी से ज्यादा वेट तो वहां भी आपको उठाना पड़ेगा। BHU on the attack. अनवरुल्ला के साथ एक डिफेंडर चिपके हुए हैं, समथिंग फाइनली टू चीयर फॉर, दे गॉट टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस एंड अननेसेसरी बाय
Bangalore, this could have been more. They are lucky to just get away with conceding a penalty corner. That was a back stick, that was a physical challenge, that could have been more than just a penalty corner. Banaras Hindu University, sunehra mauka unke liye lead lene ka. Zyada prayas nahi kar paaye hai aur ab mauka hai unke paas. Dekhte hain ki Rajiv Ranjan, jinki hum baat kar rahe the, wo in fact D ke bahar maujood hain. Saath mein Harshdeep bhi maujood hain. ये ड्रोन शॉट आपने देखा, इंजेक्ट करेंगे राहुल पटेल। वेरिएशन की ट्राई है और बहुत अच्छा बचाव एसी सुब्रमणि का, बहुत अच्छा बचाव वहां पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से। ये देखिए एक और बार हॉल्टिंग में प्रॉब्लम वहां पर, मगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। व्हाट अ सेव, एब्सोल्युटली सुपर्ब अनवरुल्लाह शाह का प्रयास। और ये देखिए दक्षिण से जो गोलकीपर आ रहे हैं, श्रीजेश से लेकर एसी सुब्रमणि बहुत प्रभावित कर रहे हैं। श्रीजेश तो खैर पिछले तकरीबन एक दशक से या उससे ज्यादा टाइम से जूनियर सीनियर लेवल पर जो उन्होंने भारतीय हॉकी की सेवा की है वो जबरदस्त है। हाँ बिल्कुल, और अगर आपको याद होगा तो 90 के दशक में दोनों ही भारत के गोलकीपर्स आशीष बलाल सुबैया दोनों ही कर्नाटका से थे। और अब एसी सुब्रमणि, किसी टाइम मुंबई गढ़ माना जाता था, वीर रंजन नेगी साहब सेड्रिक डिसूजा हुए, बहुत रेस बॉल है ये। फिर एक पंजाब का दौर आया, बलजीत सिंह जिनको प्यार से काला कहते थे, फिर दूसरे वाले बलजीत सिंह आए जिनकी आंख में बॉल लग गई थी अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल, पर श्रीजेश ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स माने जाएंगे गेम के, बियॉन्ड एनी डाउट। एक गोलकीपर अकेला दम पे कैसे मैच जितवा सकता है, खासतौर पे शूट आउट में, वो श्रीजेश ने अभी अभी दिखाया है FIH प्रो लीग में। बैंगलोर यूनिवर्सिटी हैव क्रिएटेड देयर चांसेस, दे हैव गॉट पेनल्टी कॉर्नर्स, प्लेंटी ऑफ चांसेस, बट द स्कोर लाइन स्टिल रीड 0-0, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक। Doesn't matter how many chances you create, it doesn't matter how many attempts you take at goal, the most important statistic is that of the goal scored, and we've not had any. Here's a final attack, we're coming towards the final stages here in the first quarter. Achha run banaya tha Beliappa ne, lekin jab ball pass ki backhand se unka saathi D mein thoda aage nikal gaya tha. Shuruaat achhi lekin finish bahut hi kamzor. Yeah, Manohar Thakke wahi keh rahe the jo aapne abhi commentary mein kaha Sunil. जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी, ऑप्शंस थे, शुड हैव टेकन वन ऑफ देम एंड मे बी दे कुड हैव वर्क समथिंग। हर्षदीप इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ही इज क्रिएटिंग ऑल द गुड वर्क इन मिडफील्ड फॉर देम। टेकन एन अटेम्प्ट ऑन गोल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हैव नॉट बीन एबल टू क्रिएट मच इन दिस फर्स्ट क्वार्टर, एंड हियर इज अनदर अटैक कमिंग इन फ्रॉम बैंगलोर यूनिवर्सिटी। पर नंबर्स में अटैक नहीं हो रहा है, शायद इसीलिए रोका क्योंकि आगे दो ही साथी मौजूद हैं। अब थोड़ा इंतजार किया, एक साथी मिले हैं, डिफ्लेक्शन से गोल करवाने की कोशिश कामयाब नहीं हुई। दूसरी बार ऐसा हुआ है सिड कि गोल पे डायरेक्ट अटेम्प्ट नहीं किया गया है, विसल बज गई है। दो बार डिफ्लेक्शन से गोल करवाने की कोशिश थी बैंगलोर यूनिवर्सिटी की, और काउंटर अटैक पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाते हुए ये रीप्ले। थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया, यतीश कुमार 9 नंबर जो थे बैंगलोर यूनिवर्सिटी कर्नाटका के, वेरी स्मार्ट स्ट्रेटेजी। आमतौर पे टीम जब जाती हैं ट्रेडिशनली हमेशा डायरेक्ट हमला करती हैं गोलकीपर पर, अगर गोलकीपर वन ऑन वन सेव में अच्छा हो तो फिर वेरिएशन यूज करते हैं, डिफ्लेक्शन यूज करते हैं। बैंगलोर ने दो कोशिशें की हैं फील्ड गोल की, दोनों ही डिफ्लेक्शन के साथ, यानी शुरुआती दौर में ही वो चौथे गियर के साथ हैं। ये है नंबर 22 सोमन्ना, टीम के पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट। अब तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कोई गेम्स में स्कोर नहीं कर पाए हैं, इनफैक्ट दोनों में से किसी भी टीम ने, बैंगलोर यूनिवर्सिटी हो या BHU हो, किसी ने भी पेनल्टी कॉर्नर से स्कोर नहीं किया है। हॉकी इंडिया के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेविड जॉन जो स्टैटिस्टिक्स में बहुत विश्वास रखते हैं, आपने जो स्टैटिस्टिक का भी जिक्र किया उससे बिल्कुल खुश नहीं होंगे। पेनल्टी कॉर्नर्स एक इतना अहम हिस्सा है हॉकी का, मॉडर्न हॉकी का खास करके, और इतने बड़े प्रतियोगिता में एक भी पेनल्टी कॉर्नर का कन्वर्जन ना होना ये चिंता का विषय है। दूसरी चिंता ये कि बेसलाइन पे बॉल मिली और बैंगलोर के खिलाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाए,
कहां आप आराम से अटैक बिल्ड कर सकते थे, कहां आपने बीएचयू को एक लॉन्ग कॉर्नर दे दिया, अपने ऊपर अटैक करवा लिया, उसका रिजल्ट जो मर्जी निकले, पर ऐसी गलतियां कम होनी चाहिए। अनवर उल्ला शाह जर्सी नंबर 10, ये मौका है, बैक हैंड से लिया गया सलमान खान की तरफ से, अच्छा मौका था सलमान के लिए, टोमहॉक मगर ऑन टारगेट नहीं था। यूनिवर्सिटी को चौकन्ना रहना होगा सुनील, क्योंकि मौके तो वो बना रहे मगर मौके बन भी रहे उनके खिलाफ। कुल मिलाकर बैलेंस क्वार्टर कहा जाएगा सेट, दोनों टीम को एक एक क्लियर शॉट ऑन गोल मिला है। यहां नंबर्स हैं क्या, एक साथी लेफ्ट में है, सुमन्ना ने दौड़ लगाई है, एक प्लेयर एक साथी उनका डी में पहुंच चुका है, बट गुड डिफेंडिंग फ्रॉम नंबर 2 सुधीर तिर्की। अगर आप सरनेम तिर्की है आपका तो आपसे अच्छे डिफेंस की उम्मीद सब कर सकते हैं। जबरदस्त ओवरलैप बहुत अच्छा किया था लेफ्ट से सोमन्ना ने, मगर उतनी ही अच्छी डिफेंडिंग तिर्की की। पहला क्वार्टर समाप्त हो चुका है, नो गोल्स, इट्स 0-0, बैंगलोर यूनिवर्सिटी 0 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 0। वी आर गोइंग इनटू द क्वार्टर ब्रेक एंड देयर इज नथिंग टू चूज बिटवीन द टू टीम्स एज ऑफ नाउ। स्कोर भी बराबर है और दोनों टीम्स के सूरत हाल भी बराबर हैं। बैंगलोर का बैंगलोर यूनिवर्सिटी 0 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 0, पहला क्वार्टर समाप्त हो चुका है, दूसरे क्वार्टर का आगाज होने को है। मैं हूं सिद्धार्थ पांडे, मेरे साथ है सुनील तनेजा। सुनील, व्हाट अ चांस दैट वाज फॉर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आई स्टिल कांट बिलीव ही इज नॉट टेकिंग दैट फर्स्ट टाइम। इतना डिले आप टीम में नहीं कर सकते, उसके बाद ये काउंटर अटैक पे मौका मिला था, बहुत अच्छा 1-2 किया गया था, गोलकीपर ने अच्छा बचाव किया था, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर कंसीड करवा बैठे। ये पहला पेनल्टी कॉर्नर जो सुमन्ना ने लिया था और यहां गोल लाइन सेव, ये इनफैक्ट दूसरा था पेनल्टी कॉर्नर जो कि निशाने पर ही नहीं लगा था। दो पेनल्टी कॉर्नर बेंगलोर को मिले हैं, एक बीएचयू को मिला है और ये इस फाउल के बाद बीएचयू ने पीसी लिया। सलमान हैज बीन प्लेइंग वेरी वेल फॉर बीएचयू इन द फॉरवर्ड लाइन, दिस वाज अनदर चांस, दिस वाज ऑफ कोर्स राइट डाउन टू सुब्रमण्यम एंड हिज ब्रिलियंस इन गोल, नो वंडर ही इज द कैप्टन, इज गोलकीपर फॉर बैंगलोर यूनिवर्सिटी कर्नाटक, ही हैज बीन सॉलिड इन गोल फॉर देम एंड फॉर ऑल दैट दे हैव क्रिएटेड Bangalore University, all the good work that they have created in front, all the chances that they have created, they don't have a goal to show for it, and Subramani made sure that even if they have not scored a goal, at least they won't concede one, so good work by him. Na keval mile hue chances ke mamle mein, score ke mamle mein pehla quarter ekdam balanced kaha jayega, koi team chance na milne ki shikayat nahi kar sakti, dono teams ne kam se kam ek bar goal pe shot attempt bhi bada acha liya hai। हर्षदीप कपूर बिल्कुल टीम के प्लेमेकर की तरह, सुधीर तिर्की थोड़ा आगे आकर खेल रहे हैं, नंबर 10 अनवर उल्ला शाह जिनको एक मौका मिला था डी के अंदर, अनवर उल्ला ने बड़ी खूबसूरती से बॉल को कंट्रोल किया है दो डिफेंडर्स के बीच में से, और अगर आप बनारस से हैं, वहां की यूनिवर्सिटी से भी हैं, तो ये स्किल्स आपके अंदर होने ही होने चाहिए। बैंगलोर यूनिवर्सिटी के प्लेयर्स अंपायर की तरफ देखते हुए, दोनों ही सेट ऑफ प्लेयर्स, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पेनल्टी कॉर्नर चाहती थी, बैंगलोर यूनिवर्सिटी 5 yards की मांग कर रही थी, प्ले ऑन करार दिया गया एंड हिज डिसीजन इज द ओनली वन दैट काउंट्स, सो बैंगलोर यूनिवर्सिटी विद अ गुड काउंटर अटैक, इट कम्स टू नथिंग, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विल बिल्ड अगेन, लुक एट द स्पेस दैट हैज ओपन्ड अप इन मिडफील्ड, दिस इज नॉट गुड, बैंगलोर यूनिवर्सिटी डिफेंडिंग इन नंबर्स, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आर हैप्पी विद द स्लो पेस ऑफ द गेम, दे आर मोस्ट स्किलफुल, दे आर गुड प्लेयर्स बट मे बी नॉट द फिटेस्ट, लुकिंग फॉर अ लॉन्ग डायगनल एरियल, हर्षदीप लूजेस पोजेशन, फाइंड सुमन्ना ने अपने साथी पवन को ढूंढा है, पवन के पास डी में कोई सपोर्ट नहीं है, इंतजार करना पड़ेगा, और इंतजार अगर आप डिफेंडर्स के सामने इतना करेंगे तो वो बॉल आपसे छीन लेंगे। कोशिश सुमन्ना की बड़ी अच्छी थी बट दे डिड नॉट अटैक इन नंबर्स, मिसट्रैप वहां पर सलमान खान का, निराश होंगे अपने आप से, किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं था, ये आखिरी अटैक कर्नाटका का, बैंगलोर यूनिवर्सिटी पवन, और सुधीर तिर्की ने आके फाइनली उनको वहां डिफेंड किया, भले ही आप बीएचयू में खेल रहे हैं, दुनिया भर के अच्छे अच्छे स्टूडेंट अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं, संबंध अगर आपका उड़ीसा से है, लेकिन फिर भी आप बीएचयू से पढ़ सकते हैं, वहां से खेल सकते हैं। सर्किल एंट्री बैंगलोर यूनिवर्सिटी के काफी हुए, अच्छा स्विच यहां पर बैंगलोर यूनिवर्सिटी के लिए, जब सर्किल एंट्री होती है सुनील तो कम से कम तीन चीजों में से एक तो होना ही चाहिए, या तो गोल करें आप, या तो पेनल्टी कॉर्नर क्रिएट करें, या अटेम्प्ट ऑन गोल,
पिछले सर्कल एंट्री में कुछ नहीं हुआ, ऑल थैंक्स टू सुधीर टिर्की जिन्होंने सही जगह जाके बड़े क्लीनली टैकल किया। और अगेन अगर आप टिर्की हैं तो फिर आपसे ऐसे टैकल्स की उम्मीद कर सकते हैं। एक लेगेसी बना रखी है जयपाल सिंह मुंडा साहब ने, 1928 ओलंपिक्स इंडियन टीम कैप्टन, फिर दिलीप टिर्की, इग्नेश टिर्की, प्रबोध टिर्की। प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी, इतने डिफेंडर्स हैं, माइकल किंडो, विमल लाखड़ा, इग्नेश टिर्की, amazing defenders, the best. I don't think there's any other region on earth that has produced as many defenders as the Chota Nagpur region of India. In fact, पूरे छोटा नागपुर से midfielder तक मिल जाएंगे, striker मुश्किल से एक आद मिलेगा। मुझे याद है हॉकी इंडिया लीग में एक छोटा नागपुर का प्लेयर था जो फॉरवर्ड लाइन में खेलता था, अदरवाइज आपको सारे दिग्गज डिफेंडर्स मिलेंगे यहाँ पर। शायद एक ये भी कारण हो सकता है, मतलब बहुत सारे रीजन लोग सोचते हैं कि क्यों इतने अच्छे डिफेंडर आते हैं, कि यहाँ के लोग बड़े ठंडे दिमाग के होते हैं। दिलीप टिर्की लेजेंड हैं, राज्यसभा मेंबर हैं, अभी भी उनको मिले उनकी वो जो मिठास है, विनम्रता है, वो अभी भी कायम है। शायद एक ठंडे दिमाग से डिफेंड करना यहाँ के लोगों को आता है, यहाँ के प्लेयर्स को आता है। और एक लेगेसी बन जाती है, हम हमेशा उसका जिक्र करते हैं। राज सिंह के बाद जो है डिफेंडर्स और ट्रैक फ्लिकर्स, रुपिंदर पाल कह ले, संदीप सिंह कह ले, हरमनप्रीत सिंह कह ले आप, अब वरुण कुमार भी वहीं से है, पंजाब से, मिठापुर, प्रगट सिंह का गांव। प्रगट सिंह साहब ने मिठापुर से लेगेसी शुरू की, जहां से मनप्रीत आते हैं, भारतीय कैप्टन मनदीप आते हैं, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर रहे हैं, इंडियन कैप्टन, अभी अभी कुछ दिन पहले घोषणा हुई है, और घोषणा हुई है पेनल्टी कॉर्नर की, BHU के लिए अच्छी खबर है। सलमान खान वंस अगेन क्रिएटिंग दैट पेनल्टी कॉर्नर, ही वाज सो स्ट्रांग ऑन द बॉल, दे जस्ट कुड नॉट टेक इट ऑफ हिम, लुक एट दिस इज स्ट्रेंथ ऑन द बॉल एंड गुड वर्क by him to create that penalty corner. It's the second penalty corner for BHU. They've got another chance. They've done all the good work here. We had said Bangalore University are the favorites, but that favorites tag is yet to be justified thanks to BHU. They have a chance here, and BHU, Pradeep Khalko, the coach of BHU, will be hoping that they take it. अपने कैप्टन गौरव कुमार को इंस्ट्रक्ट करके भेजा है उन्होंने, ये है राहुल पटेल, पिछली बार भी इंजेक्शन इन्होंने किया था, फास्ट बॉल आनी चाहिए, पिछली बार बॉल रुकी नहीं थी, वो गलती होनी नहीं चाहिए। हर्षदीप है, लेकिन फर्स्ट रशर ने एक हमला तो रोका है, लेकिन बॉल चूंकि उनके घुटने के नीचे लगी है, तो दोबारा पेनल्टी कॉर्नर। बहुत अच्छा फर्स्ट रश केसी बोपन्ना का, खासकर जब आप सिंगल रशर भाग रहे हो तो उसे बीट करना यूजुअली काफी आसान होता है। केसी बोपन्ना सिंगल रशर एंड ही इज हर्ट हिमसेल्फ अगेन, नॉट अ वेरी क्लीन, नॉट अ वेरी गुड हॉल्ड बाय BHU, मे बी दैट इज व्हाट इज हैम्परिंग हर्षदीप फ्रॉम टेकिंग अ परफेक्ट फ्लिक। We always focus on the drag flicker, but penalty corner, Sunil, as we both know, is teamwork. Injection, और उसके बाद ये U-turn लिया गया, लेकिन ball जो है हर्षदीप ने जलंधर पहुंचा दी है। बिल्कुल अच्छा मौका था, first rusher beat भी हो चुके थे, हर्षदीप निराश होंगे खुद के साथ। ये देखिए 180 turn, good injection, good halt, and ये बहुत ज्यादा निराश होंगे, first rusher पूरी तरह beat हो चुके थे, हर्षदीप के पास पूरा पूरा मौका था। 180 टर्न या यू टर्न कई टीम्स इंप्लीमेंट करती हैं जब आपके पास दो अच्छे ड्रैग फ्लिकर हों, एक प्लेयर घूम के बॉल दूसरे को देता है, फर्स्ट रशर अंदाजा नहीं लगा सकता कि कौन सा प्लेयर ड्रैग फ्लिक करेगा, और ऐसे मौके पर अगर बॉल गोल से 20 फीट ऊपर से निकल जाए तो कोच साहब की डांट पड़ गई होगी हर्षदीप को। जी बिल्कुल, और दोनों ने अब तीन तीन पेनल्टी कॉर्नर क्रिएट किए हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने भी, बैंगलोर यूनिवर्सिटी ने भी, मगर एक भी कन्वर्ट नहीं हुआ है, 6 पेनल्टी कॉर्नर कुल मिलाकर हो चुके हैं इस मैच में। दिस वाज अनदर सलमान खान, नंबर 11 मोहम्मद सलमान खान, BHU के पास दो सलमान हैं, नंबर 9 सलमान खान और नंबर 11 मोहम्मद सलमान खान, और नंबर 9 वाले सलमान को देख के सिद्धार्थ के मन में एक विचार आया था, उसे कंफर्म कर लिया गया है, ये आमिर खान के छोटे भाई हैं, आमिर सलमान की जोड़ी आपको बल यहां हॉकी में दिखती है जो भारत के लिए खेल चुके हैं आमिर खान, मोहम्मद आमिर खान, जबरदस्त खिलाड़ी, अब भी उत्तर प्रदेश के लिए काफी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, हॉकी फाइव्स की जो नेशनल्स हुई थी उसमें मैंने उन्हें देखा था, कप्तानी कर रहे थे उत्तर प्रदेश की टीम की, कानपुर में हुआ था वो, ललित और आमिर, अफान यूसुफ, ये पूरा बैच निकल कर आया था, बहुत ही अच्छा जूनियर बैच था, और अभी भी लोगों को आश्चर्य होता है कि ये जूनियर वर्ल्ड कप कैसे नहीं जीते थे। मनप्रीत था उस बैच में,
हरजीत तो खैर फिर अगले जूनियर वर्ल्ड कप में जो भारत ने मेज़बानी की थी लखनऊ में, उसका भी हिस्सा थे, मनदीप उस टीम का हिस्सा थे, ड्रीम टीम थी जूनियर इंडियन टीम की। यहाँ बेसलाइन अटैक है बीएचयू का, डिफेंडर्स ने रास्ता रोक के रखा हुआ था, सुधीर तिर्की खुद डिफेंडर है, दूसरी टीम की बेसलाइन पर जाकर कुछ खलबली मचाने की कोशिश में थे। कर्नाटक डिफेंडिंग इन नंबर्स, लुक एट द अमाउंट ऑफ डिफेंडर्स दे हैव इनसाइड द सर्कल, गुड स्ट्रेटजी बाय देम क्राउडिंग बीएचयू आउट, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दिस इज व्हाट यू गेट व्हेन यू हैव एन ओवरलोड इन डिफेंस, मोर डिफेंडर्स देन अटैकर्स। दिस इज पवन, पवन की गति से उड़ रहे हैं, एक साथी दो इनफैक्ट लीग के अंदर पहुंच चुके हैं, वन ऑन वन की सिचुएशन है और पेनल्टी कॉर्नर बनाने की कोशिश होनी चाहिए, फील्ड गोल मिला है, बैंगलोर यूनिवर्सिटी ने फाइनली काउंटर से अपना खाता खोल दिया है। जी और यहां मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा रेफरी को, क्योंकि क्लीन पेनल्टी कॉर्नर मिल सकता था बैंगलोर यूनिवर्सिटी को, ही डिड नॉट ब्लो फॉर अ फाउल, ही डिड नॉट ब्लो फॉर अ पेनल्टी कॉर्नर, ही लेट प्ले गो ऑन, बैंगलोर यूनिवर्सिटी गॉट एडवांटेज इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड एंड दे हैव गॉट अ गोल, दिस इज व्हाट यू वांट टू सी, देयर यू गो, एंड फर्स्ट गोल ऑफ द गेम, सी एस शमंत फॉर बैंगलोर यूनिवर्सिटी कर्नाटका, इट कम्स इन द सेकंड क्वार्टर एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू द रेफ फॉर प्लेइंग एडवांटेज। वर्ल्ड क्लास गोल, बेस लाइन से आके गोल करने के लिए बहुत सारे स्किल्स चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, दो डिफेंडर्स और एक गोलकीपर को शमंत ने अकेले बीट किया, कोई डिफ्लेक्शन नहीं करवाई। उतने मार्क्स नंबर 11 पवन मदिवलार को भी मिलेंगे जिन्होंने ये अटैक बिल्ड किया लेफ्ट फ्लैंक से, और शमंत का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में ये दूसरा गोल है, और क्या अद्भुत गोल है ये। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, क्या इनकी रणनीति अब बदलेगी, एक गोल से पिछड़ रहे हैं, अब तक खुश थे कि गेम का पेस स्लो है, आराम से पेनल्टी कॉर्नर बना रहे थे, मौके मिले तो कोशिश थी उनकी लेने के लिए, बैंगलोर यूनिवर्सिटी का दूसरा गोल, डिफ्लेक्शन और वो भी बैक हैंड पर, चकनाचूर कर दिया है बीएचयू के डिफेंस को बैंगलोर यूनिवर्सिटी ने। राइट फ्लैंक से यतीश कुमार ने अटैक बनवाया और ये तीसरा ऐसा मौका है सिड जब डिफ्लेक्शन की कोशिश हुई है, और दूसरा मौका जब स्कोर किया गया। ये देखिए बॉल संभाली है यहां से, ये गोल पर अटेम्प्ट, और ये देखिए सेकंड पोस्ट जिसे हम कहते हैं बिल्कुल तैनात थे पवन, और ये दूसरा गोल बैंगलोर यूनिवर्सिटी के लिए। अक्सर हम देखते हैं कि प्रयास गोल पर नहीं सेकंड पोस्ट पर लिया जाता है जहां पर यूजुअली यू हैव अ टीममेट वेटिंग, एंड ही मेड नो मिस्टेक, पवन मदिवलार has got the second goal for Bangalore University. Banaras Hindu University have crumbled in defense all of a sudden. और पवन मदिवलार क्या स्टार बन के खेल रहे हैं, पहला गोल क्रिएट करवाया था, चांस दिया था उन्होंने शमंत को, और दूसरे में खुद चांस कैश करवाया है, हालांकि उनके सामने एक प्लेयर मौजूद था। एनीवेज अब बारी है फिरोज आलम की, अब बारी है बीएचयू की, जल्दी इसी क्वार्टर में एक गोल निकालना पड़ेगा, क्योंकि मिनट पहले स्कोर लाइन 0-0 थी और अब आप 2-0 से पीछे हैं, कम से कम एक गोल, एंड दे नीड समथिंग टू होल्ड ऑन टू हियर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सलमान, दे नीड हिम, दे नीड द लाइक्स ऑफ हर्षदीप, दे नीड देम टू स्टेप अप बिकॉज़ दे आर लो ऑन कॉन्फिडेंस राइट नाउ एंड दे नीड समथिंग टू पिक देमसेल्व्स अप। नो विसल गोस, प्लेड ऑन अगेन, फाइनली नो एडवांटेज, सो इट्स बीन कॉल्ड बैक फॉर अ फाउल। हर्षदीप लेंगे फ्री हिट, ओ डेंजरस हो सकती थी, अंपायर ने जाने दिया क्योंकि बॉल पहुंची विरोधी टीम के पास है, और जब भी काउंटर अटैक पर बैंगलोर टीम निकलेगी चौकन्ना होना पड़ेगा। यतीश कुमार के पास बॉल है जिन्होंने पिछला चांस क्रिएट करवाया था, गोल करने वाले शमंत डी के अंदर मौजूद है, दो प्लेयर्स गिरे हैं और बीएचयू को अपना डिफेंस संभालना पड़ेगा। अब सी एस शमंत फिर से डिफ्लेक्शन की कोशिश, उनकी थोड़ा सा पीछे, ये जो क्रॉस था, ये जो माइनस था, थोड़ा सा पीछे हो गया, वरना तीसरा गोल तय था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, क्या बॉल को अंदर रख पाएंगे फिरोज आलम, नहीं, मिडफील्ड में एकदम मार खा रही है बीएचयू। जिस तरह से जो बॉल मिल रही है सेट बैंगलोर यूनिवर्सिटी को मिडफील्ड में, चाहे राइट में मिले लेफ्ट में मिले, दोनों फ्लैंक से उन्होंने अटैक बनवाए हैं। पहला गोल लेफ्ट फ्लैंक के अटैक से हुआ, दूसरा गोल राइट फ्लैंक के अटैक से हुआ, और दोनों बार डिफेंस को धता बताया है बैंगलोर यूनिवर्सिटी ने। मोमेंट्स लाइक दिस सुनील, दैट यू वंडर वेदर हॉकी नीड्स अ टाइम आउट, बिकॉज़ इफ दिस वुड हैव बीन बास्केटबॉल एंड दे वुड हैव कंसीडेड टू गोल्स, इट वुड हैव बीन इजी। हियर कम्स अनदर, व्हाट अ गोल, दैट इज जस्ट एब्सोल्युटली स्टनिंग।
How about that for a finish? Tomahawk, top of the D से. दीपक ठाकुर कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल बाहर बैठे हैं, उनको अपने खेल वाले दिन याद आ गए होंगे. हाँ बिल्कुल, ये देखिए अच्छा अटैक और वन टच बूम. सोमना यूजुअली वी आस्क्ड फॉर हिम टू बी वॉच्ड आउट फॉर व्हेन द पेनल्टी कॉर्नर कम्स अलोंग. हाउ अबाउट दिस फॉर अ फिनिश? यू कुड पुट टू गोलकीपर्स इन देयर, दे वोंट बी स्टॉपिंग दैट. एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास गोल सोमना का. दीपक ठाकुर, गगनजीत सिंह, सब महारत हासिल थी इनको टोमाहॉक से गोल करने की. बीपी सोमन्ना उसी श्रेणी में एक नए सितारे बन सकते हैं. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सोमन्ना का पहला गोल है दो पेनल्टी कॉर्नर मिस करने के बाद. आज चार मिनट में तीन गोल कंसीड कर चुकी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. कह रहे थे बैंगलोर यूनिवर्सिटी फेवरेट्स फॉर दिस मैच, अब तक जस्टिफाई नहीं कर पाए, मगर चार मिनट में उन्होंने उस अटैक को जस्टिफाई कर दिया है. फिर से एक अटैक बनता हुआ बैंगलोर यूनिवर्सिटी कर्नाटका का. यतीश कुमार हैं, इस खिलाड़ी की कितनी तारीफ करें हम. दोनों फ्लैंक में नजर आ रहे हैं, पहले राइट में थे फिर लेफ्ट में थे. सोमन्ना को पास भी इन्होंने दिया था स्कोर करने के लिए और अभी भी उलझ रहे हैं. पेनल्टी कॉर्नर की मांग बैंगलोर यूनिवर्सिटी कर्नाटका की, प्ले ऑन करा दिया गया और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देव गॉड अ माउंटेन टू क्लाइम, दे रियली डू. Khatke on your screen, he will be so happy with the performance of his wards. They have been excellent in the second quarter. Should be on cloud 9 on the 7th heaven, Manohar Khatke. One-on-one situation mein to khair BHU ke players se umeed karte hain. Captain hai unke Gaurav Kumar, number 4. Midfield aur defense ke beech ki duri ko paatna padega. Goal dekh lijiye, pehla goal kis tarah se hua. Shamant ne baseline se ball ko sambhala, jahan se maximum penalty corner aap banwa sakte hain, lekin zabardast score kiya unhone. Aur ye bhi tino goal ki quality kitni badhiya thi Sunil, bahut hi high quality goals and this was the cherry on the cake, it really was. Look at this for a finish by Somanna. How about that? एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास गोल्स, ये यूनिवर्सिटी लेवल के गोल नहीं थे. अब तीन डिफेंडर्स को बीट करें, उसके बाद डिफ्लेक्शन करें, उसके बाद टॉप ऑफ द डी से टोमाहॉक लगाएं. हम रॉबर्ट कैंपरमैन से होकर गगनजीत, दीपक ठाकुर, गुरजंट सिंह के बाद अब बीपी सोमन्ना पर आ चुके हैं ये तमाम टोमाहॉक लगाने वाले खिलाड़ियों में. बिल्कुल, रॉबर्ट कैंपरमैन तो जाने ही जाते हैं मिस्टर बैकहैंड के नाम से. बहुत जगह और चौथा गोल आकाश पाल की बदौलत नहीं हुआ, मनीष कुमार यादव माफ कीजिएगा. और सिड ये सबसे आसान चांस था, जितने चांसेस मिले हैं फील्ड गोल करने के सबसे आसान चांस था, पूरा टाइम लेके स्कोर कर सकते थे. दे स्टिल हैव अ चांस, डिफ्लेक्शन करवाने की कोशिश थी फार पोस्ट पर, ऐसा लग रहा है कि दोबारा से उस चांस को देख लीजिए. यतीश कुमार कितने चांसेस क्रिएट करवाए हैं इन्होंने. मेबी ही हैड मोर टाइम देन ही रियलाइज्ड देयर. और जिस प्लेयर ने चांस मिस किया वो है एन चेल्सी मिडप्पा, सब्स्टिट्यूटेड प्लेयर हैं. तीन मिनट से कम का समय रह गया है दूसरे क्वार्टर में, हाफ टाइम ब्रेक बस होने ही वाला है. पेनल्टी कॉर्नर बीएचयू के लिए, लीड कम करने का सुनहरा मौका. चौथा पेनल्टी कॉर्नर बीएचयू के लिए. बॉल पैर पे लग के उछली है तो फायर ने इसे डेंजरस नहीं माना, पेनल्टी कॉर्नर दिया. और यहां अगर बीएचयू स्कोर नहीं कर पाती है फिर खुद को ज्यादा दिक्कत में पाएंगे. फील्ड गोल करने के मौके इनको इस क्वार्टर में मिले ही नहीं, पेनल्टी कॉर्नर मिला है, इसको कैश करवाना बड़ा जरूरी है. इंजेक्टर वही होंगे और ये हैं एसी सुब्रमणि. अब तक क्लीन शीट रखी है सुब्रमणि ने, टीम के कैप्टन भी हैं. राहुल पटेल इंजेक्टर और डी के बाहर पाजी तैयार हैं हर्षदीप सिंह कपूर और साथ में राजीव रंजन भी. चलिए पहली कामयाबी मिल गई बीएचयू को, हर्षदीप कपूर ने खाता खोल दिया है. बेहद निराश होगी पेनल्टी कॉर्नर डिफेंस की टीम बैंगलोर यूनिवर्सिटी की, खासकर सुब्रमणि जिसकी तारीफ की थी हमने, कैप्टन गोलकीपर, अब तक जबरदस्त प्रदर्शन रहा है उनका. ये देखिए एक और हॉल्ट कितना पीछे किया था और कितना वक्त था सुब्रमणि के पास, लेफ्ट पैड आगे करते और आराम से बचाव करते उसका. छोटी सी गलती और उम्मीद की किरण बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए. हर्षदीप कपूर का दूसरा गोल है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में और इनकी पूरी टीम का पहला पेनल्टी कॉर्नर गोल है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में. पहला गोल हर्षदीप ने जो
पूल स्टेज में स्कोर किया था वो फील्ड गोल किया था। पहले क्वार्टर में कोई गोल नहीं हुआ था और दूसरे क्वार्टर में चार गोल, 3 बैंगलोर यूनिवर्सिटी के लिए, 1 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए। और ये रहे टीम के प्लेमेकर यतीश कुमार नंबर 9, लेकिन सामने सुधीर टिर्की हैं, बड़ा क्लीन टैकल उनका। यहाँ पेनल्टी कॉर्नर की मांग कर रहे थे बैंगलोर यूनिवर्सिटी के प्लेयर्स, प्ले ऑन और सही नतीजा वहां पर, एब्सोल्युटली करेक्ट डिसीजन, देयर वाज नो रीजन फॉर दैट। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी डोंट हैव फॉरवर्ड्स देयर बट दे हैव द स्किल, ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग, दे वन द फाउल, नाउ दे कैन ऑल पाइल फॉरवर्ड एंड व्हाई नॉट, देयर इज जस्ट अ मिनट एंड 30 टू गो ऑन द क्लॉक, मे एज वेल गेट अनदर goal or a penalty corner, at least an attempt on goal, good skill once again, it's gone 5 yards, can be a circle entry, they still have possession on the baseline, he's turned, he's going for a tomahawk and will get a long corner, it's come off a Bangalore University player, good pressure here towards the end by Banaras Hindu University. Pura pressure do Salman players ne banaya, number 11 Mohammad Salman Khan, phir number 9 Amir ke chote bhai Salman Khan, पूरा टाइम लिया, टॉमाहॉक लगाया, लेकिन चलिए विरोधी खिलाड़ी के स्टिक से लग के बॉल गई है, जिस लाइन से बॉल बाहर निकले ठीक वहां से उसके पैरेलल आपको 23 मीटर लाइन से लॉन्ग कॉर्नर मिलता है। हर्षदीप का पास सेकंड पोस्ट पर मोहम्मद सलमान खान तैनात थे, मगर अच्छी डिफेंडिंग बैंगलोर यूनिवर्सिटी की, अच्छा प्रेशर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, दे हैव टेकन कॉन्फिडेंस फ्रॉम दैट गोल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड दे आर लुकिंग टू फिनिश द हाफ स्ट्रॉन्गली। गोल कैन डू वंडर्स टू योर कॉन्फिडेंस। बैडमिंटन में अगर आपको लंबी रैली के बाद पॉइंट मिल जाए, हॉकी में लंबे प्रयास के बाद गोल मिल जाए, पूरी टीम का मोरल बूस्ट होता है। अच्छी डिफेंडिंग फिर से सुधीर टिर्की की, साथ में हर्षदीप मौजूद थे मामले को आगे बढ़ाने के लिए, राहुल पटेल जो टीम के इंजेक्टर होते हैं हमेशा, साथ में फिरोज आलम, राइट फ्लैंक में फिरोज ज्यादा दिखे हैं, नंबर 16। फिरोज के पास सबसे सुनहरा मौका था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, इतना समय था उनके पास, और ये हाफ टाइम की विसल हूटर जा चुका है। 3-1 का स्कोर लाइन बैंगलोर यूनिवर्सिटी, कर्नाटका ने 4 मिनट में 3 गोल कर दिए, हर्षदीप ने 1 गोल जरूर किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, मगर दबदबा पूरी तरह बैंगलोर यूनिवर्सिटी के पास। सेकेंड हाफ सीधा प्रसार का टॉमाहॉक लगाना, सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर कोई याद आता है जो ऐसा फील्ड गोल करता हो जाके? I can't, Sevivanas maybe, but he's not a prolific scorer either. डोमेस्टिक लेवल पर जुगराज सिंह है, हम जब हॉकी इंडिया लीग में जुगी पारी से मिले थे तो बता रहे थे सेड्रिक डिसूजा को, कोच आई प्ले सेंटर फॉरवर्ड फॉर पंजाब पुलिस, तो वहां मैं फील्ड गोल करता हूँ जाकर। पर्सनैलिटी सच, ही मे एज वेल प्ले इन गोल एंड ही वुड स्टिल बी एज इफेक्टिव, डोमिनेंट पर्सनैलिटी जुगराज सिंह, and what a player he was. In दो क्वार्टर्स के लिए टीम के अटैक की डायरेक्शन बदल जाती है। BHU जो कि ब्लू और व्हाइट में है, आपकी स्क्रीन के राइट टू लेफ्ट अटैक कर रहे हैं, वो देखिए हर्षदीप का पास, बैंगलोर यूनिवर्सिटी रेड एंड व्हाइट में है, वो लेफ्ट टू राइट अटैक करेंगे, लेकिन ज्यादा हमले, बिल्कुल आउट नंबर हो गए। It's two individuals, Sunil, by Banaras Hindu University. They need more teamwork. They need numbers forward when they attack. Especially now, when look at the space that have opened up in midfield right at the start of the second half. Third quarter ka shuruaat abhi hua hi hai. Aur dekhiye kitni jagah mil rahi hai midfield mein. Ye Banaras Hindu University ke liye acha nahi hai. They have to keep their structure because Bangalore University have pace in attack and they attack in numbers. यहाँ BHU के अटैक में नंबर नहीं दिखे हैं, इनफैक्ट फॉरवर्ड और मिड डिफेंस के बीच में मिडफील्ड की धुरी गायब सी लगती है। जब बॉल मिली भी थी मुश्किल से दो प्लेयर आगे थे, बड़ी आसानी से बॉल गवाया और वापस फुजैल मोहम्मद को मौका दे दिया स्कोर करने का, गोलकीपर को आगे एडवांस आना पड़ा है, बड़ी मुश्किल हुई पर गोल नहीं बचा पाए, चौथा गोल ये बैंगलोर यूनिवर्सिटी के लिए और भंगड़ा शुरू उनके बेंच पर। 2 मिनट के अंदर अंदर तीसरे क्वार्टर में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने गोल कंसीड कर लिया है और बैंगलोर यूनिवर्सिटी बहुत खुश होंगे शुरुआत के साथ। ये देखिए पहला डिफेंसिव लैप्स, फिर गोल पर प्रयास, ये दूसरा डिफेंसिव लैप्स। हर्षा का पास, पवन मदीवलार आज जबरदस्त खेल रहे हैं, क्या ब्लंडर हुआ ये
बीएचयू के गोलकीपर मनीष कुमार यादव की तरफ से दो डिफेंडर भी मौजूद थे, कोई रोक नहीं पाया। पवन कंप्लेन नहीं करेंगे, पवन का दूसरा गोल है इस मैच में और तीसरा गोल है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अगेन, इट्स अ थ्री गोल मार्जिन फॉर बैंगलोर यूनिवर्सिटी कर्नाटका, दे विल बी सो हैप्पी विद दैट, जस्ट द काइंड ऑफ स्टार्ट दैट मनोहर एस कटके वुड हैव आस्क्ड फॉर फ्रॉम हिज टीम। I hope to have gone in at halftime at 3-0. Banaras Hindu University somehow pulled back a goal, and now the three-goal lead has been restored. That just gives them so much freedom to play with. Likhit बहुत ज़्यादा खेल में दिखे नहीं है, अब उन्होंने पास दिया है left flank से Bangalore University। अब Likhit के पास ball है, दो goal इन्होंने किए थे, top scorer थे team के। Pawan के ऊपर अच्छी marking इस बार Rajiv Ranjan की, अच्छा defense उनका, Rajiv के पास ही ball है। बेहतरीन स्विच था वो बैंगलोर यूनिवर्सिटी कर्नाटका का, लेफ्ट फ्लैंक से राइट फ्लैंक तक सर्कल एंट्री भी हो चुकी थी, टू मच टाइम ट्रैप क्लीन नहीं हो पाया, इसकी वजह से मौका गवा बैठे बैंगलोर यूनिवर्सिटी कर्नाटका। कंप्लीटली इन कंट्रोल ऑफ द मैच बैंगलोर यूनिवर्सिटी। गौरव कुमार कैप्टन टीम के, हर्षदीप इकलौता गोल किया है अपनी टीम के लिए और यूनिवर्सिटी गेम्स में टॉप स्कोरर हैं बीएचयू के दो गोल्स के साथ। राजीव रंजन फाउल जीतने में कामयाब हुए हैं, मोहम्मद सलमान खान 11 नंबर वाले सलमान। He has a point there, the ball was sort of kicked away, pushed away, you can't do that after the whistle goes. Bangalore University lucky to get away with that, it's not a very close match. Good ball by Harshdeep once again. Should have done better there, BHU. सलमान खान वो प्लेयर थे जो गिरते हुए डिफ्लेक्ट करना चाहते थे और ऐसे ही मौके अब कैश करवाने पड़ेंगे। अच्छा स्लैप शॉट और डिफ्लेक्शन हो गई थी, डायरेक्शन बहुत ही खराब थी। Any chances that are created by BHU have to be taken. They need penalty corners, they need attempts on goal. Bangalore University Karnataka just taking their time now. They don't need to rush. The pace of the game has slowed. They have one more match to play, which is the big match, of course. If they are able to hold on to this lead, that is, there's still a while to go in this match. Things change in an instant in live sport. That's why we love it. But as of now, Bangalore University Karnataka completely in control with just over 10 minutes to go in the third quarter. M. Likhit, two field goal in ke naam. Aaj score kam kiya hai. Thode withdrawn. मिडफील्डर की भूमिका में ज्यादा नजर आए हैं, लेकिन अब बीएचयू को विड्रॉ नहीं करना है, अटैक करने हैं। राइट फ्लैंक से एक अटैक उनका पनप रहा है, अनवरुल्लाह बॉल के साथ है, बेसलाइन हमला हुआ है, सामने डिफेंडर चिपके हुए हैं। दे विल कीप पोजीशन, यस दे विल, इट विल बी कॉर्नर, नॉट अ कॉर्नर, इट विल बी आउटसाइड द डी, दैट इज वेयर दे विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम। दिस इज व्हाट बीएचयू हैव नॉट बीन एबल टू डू, इवन व्हेन दे गेट अ फाउल दे आर नॉट एबल टू स्विच प्ले very effectively, lose possession and then are vulnerable on the counter. Look at the numbers that Karnataka have and the pace with which they break. It's a 3-on-3 right now. Harsha ke saath Pawan Madvilar, do goal karne wale player hai, yahan ball trap hoti to top of the D ek aur shot Pawan laga sakte the. Ji haan bilkul, Pawan ke paas pura mauka tha wahan par, agar clean trap ho jati BHU ke liye khatra badh jata, agar yahan par clean trap nahi kar paaye Pawan. Look at that. Look at the time he had. Yatish Kumar. In fact, इससे पहले गोल स्कोर करवाने में इनकी भूमिका थी, यतीश के पास खुद स्कोर करने का मौका भी था, और अगर पांच गोल हो जाते तो फिर कल के फाइनल को ध्यान रखते हुए बेंगलोर के कोच मनोहर अपनी पूरी बेंच को उतार सकते थे। अब चार गोल का मार्जिन, एक अच्छा खासा कुशन है इस फास्ट गेम में भी। यतीश कुमार वंस अगेन ऑन द राइट फ्लैंक, Harshdeep, good tracking back, good re-tackling by him, attacking the baseline of Bangalore University. There's no need to rush, so they can play these back passes, control the game, string a few passes together, look for support. It's them who are in the lead and it's a comfortable lead. It's a three-goal lead. Still keeping possession, here comes the attack, it's a circle entry. Oh, the whistle had gone. Luckily for Banaras Hindu University and his team, Pradeep Khalko, who was just on your screen, have it all to do.
जहां आप फ्रंट में पास दे सकते हैं, बैक में दे सकते हैं। एक नया स्पोर्ट आपके लिए लेकर आएंगे रग्बी सेवन, जहां आप सिर्फ पीछे पास दे सकते हैं, किक फ्रंट की ओर लगा सकते हैं। पहली बार रग्बी सेवन शामिल किया गया है खेलो इंडिया गेम्स के किसी भी लेवल पर, और उसका लाइव टेलीकास्ट आप देखेंगे। Not going to get very far with that, Sunil. It's too individual by Banaras Hindu University. They need support in attack. Harshdeep, now, क्या फिर से slap shot आएगा इनका? Slap shot आया है, पर विरोधी खिलाड़ी की stick को लग के ball गई है, और ठीक उसी point के सामने parallel 23 meter line से long corner मिलेगा। Bench Banaras Hindu University का, Harshdeep का slap. वो player जरूर थे Banaras Hindu University के, मगर अच्छा डिफेंसिव प्ले यहाँ पर बैंगलोर यूनिवर्सिटी का। द नंबर्स दैट दे हैव हैड इन डिफेंस ऑल मॉर्निंग हैज बीन वेरी इंप्रेसिव। बैंगलोर यूनिवर्सिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी प्लेयर गो इन अटैक, दे ऑलवेज हैव फाइव और सिक्स डिफेंडर्स। दैट स्ट्रक्चर इज नॉट ब्रेकिंग। लुक एट दिस, दिस इज अनदर अटैक दैट्स कमिंग। लकीली फॉर BHU दैट हैज ब्रोकन डाउन। और एक प्लेयर उन्होंने इन फैक्ट BHU की 23 मीटर लाइन पे बना के रखा हुआ था, चेल्सी मेडप्पा थे, जो कि इसी तरह के एक अटैक को कन्वर्ट करने के लिए तैयार थे। और ये एक नई स्ट्रेटजी है जो कई टीम्स बना के रखती हैं, एक प्लेयर हमेशा काउंटर के लिए हाफ लाइन के आगे रखा करती हैं जी। और वो जो डीप डिफेंडर्स होते हैं आपके, जो दो सेंटर बैक्स होते हैं, उनको ऑक्यूपाइड रखते हैं। गौरव कुमार, BHU के लिए पेनल्टी कॉर्नर। 23 मीटर लाइन के अंदर कोई इंटेंशनल फाउल अगर डिफेंडर करता है, चाहे वो डी के बाहर ही क्यों ना हो, रिजल्ट्स इन अ पेनल्टी कॉर्नर। ये दूसरा पेनल्टी कॉर्नर है जो सलमान ने खुद बनाया है। ये देखिए, सी सो स्ट्रॉन्ग ऑन द बॉल। पहला पेनल्टी कॉर्नर भी उन्होंने जो बनाया था, बॉल उनके स्टिक पर थी, दो डिफेंडर्स के बीच में वो थे, और बॉल को सरेंडर नहीं किया था उन्होंने, पोजेशन नहीं दिया था। ही ड्रू द फाउल फ्रॉम द डिफेंडर्स ऑफ बैंगलोर यूनिवर्सिटी। इज डन द सेम अगेन। फिफ्थ पेनल्टी कॉर्नर फॉर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इंजेक्टर इज द सेम, राहुल पटेल और हर्षदीप, जिन्होंने पिछले पेनल्टी कॉर्नर पे स्कोर किया था, इस बार ज्यादा जरूरत है। या कोई वेरिएशन देखेंगे। हर्षदीप की सीधी कोशिश, और ऐसी कोशिश AC सुब्रमणि को ज्यादा परेशान नहीं करेगी। स्टार्टिंग पोजीशन बहुत अच्छी थी, खतरे की घड़ी यहां पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाद। हर्षा का अच्छा रन, अच्छी रीटैकलिंग BHU की। उनके कैप्टन गौरव कुमार ने हर्षा से बॉल ली, लेकिन वापस बैंगलोर को बॉल मिली है, फिर से डिफ्लेक्शन करवाने की कोशिश थी गोल माउथ के सामने से, और ये शुरू से स्ट्रेटजी रही है इनकी। PC देखिए, ड्रोन शॉट PC का, सीधे हर्षदीप का ड्रैग फ्लिक गोलकीपर की ओर। सुब्रमणि को कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत अच्छी स्टार्टिंग पोजीशन जो मैं कह रहा था, दो कदम आगे आए, एंगल्स कवर कर लिए अपने, एंड हर्षदीप हैड नो चांस विद गोलकीपिंग लाइक दैट। ये हैं ऋषभ नाथ त्रिपाठी, सब्स्टिट्यूटेड प्लेयर हैं, बेस लाइन पर जाके पेनल्टी कॉर्नर की मांग, अंपायर प्रभावित नहीं हुए। पांच पेनल्टी कॉर्नर मिले हैं BHU को, एक कन्वर्ट हुआ है, बैंगलोर यूनिवर्सिटी को तीन मिले हैं, स्कोर कभी नहीं कर पाए, लेकिन चार जबरदस्त फील्ड गोल उन्होंने किए हैं। और बिल्कुल ये देखिए, पेस स्लो करते हुए गेम का, कोई जरूरत नहीं है दैट यू नीड टू गो इन अटैक ऑल द टाइम। बैंगलोर यूनिवर्सिटी, they can take their time, but that is something that should be avoided. Pradeep Khalko has got a lot to think about. He's got to go back to the drawing board. He will get a quarter break between the third and fourth. Just under 5.5 to go. Harshdeep, can he come up with something for BHU? Remember, they finished the second quarter very strongly, BHU. They got a penalty corner, converted that, but at the start of the third, they conceded one. Look at the space that the forwards from Bangalore University have. Can they find player at the far post? Unfortunately, they can't. Samant hai, lekin penalty corner zarur mil gaya. Samant ne hi team ka Samant pehla goal kiya tha. Aur ekdam unmarked khade the. Phir se kamal ka run, Yatish Kumar ka zabardast pass stick ke niche se mila. Ye pair ko lagti hui ball gayi hai. तो पेनल्टी कॉर्नर नंबर 4 बैंगलोर यूनिवर्सिटी के लिए। बेसिक चीज है सुनील, जब आप पेनल्टी कॉर्नर अवॉइड करना चाहते हैं, जब आप डिफेंड कर रहे होते हैं, तो फ्लोर टैकलिंग, आपको बिल्कुल अपने नकल्स जो है जमीन पर रखने होते हैं, वरना आप पेनल्टी कॉर्नर कंसीड कर बैठेंगे। पुअर डिफेंडिंग। एक गोलकीपर और मैक्सिमम 4 डिफेंडर गोल में हो सकते हैं पेनल्टी कॉर्नर डिफेंस करने के लिए, और
डी के बाहर जितने प्लेयर चाहे टीम खड़ा कर ले। पवन का इंजेक्शन है और बेहतरीन सेव है ये। सेव ऑफ द डे, मोमेंट ऑफ द डे, एक बार फिर से राजीव रंजन। लॉन्ग कॉर्नर जरूर मिला है क्योंकि बीएसयू के स्टिक को लग के बॉल गई गई है बेस लाइन के बाहर, लेकिन वो सेव अद्भुत था। 120, 30, 40 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल आती है, उसको अपनी स्टिक से डिफ्लेक्ट करने के लिए हिम्मत भी चाहिए और बहुत सारे स्किल्स और टाइमिंग भी। हर्षदीप का जबरदस्त टैकल मिडफील्ड में। Possession BHU, they are still in the game, they are down by 4-1, but they are creating chances. Rishabh looking for a circle entry, they don't get it. That penalty corner, it is worth looking at again. Look at this, it was a perfect drag flick by Somana, no problems there, it was on target. How about that for a save? Reminds me of Prabodh Tirki. जबरदस्त सेव उन्होंने कितने ही किए हैं। यहां गोलकीपर बहुत एडवांस हैं, गोलकीपर की डायरेक्शन में ये कोशिश की यतीश कुमार ने, एक साथी लेफ्ट में थे, थोड़ा सा अगर आधा सेकंड रुकते तो यकीनी गोल था। गुड एंटीसिपेशन फ्रॉम द गोलकीपर सेड, बट आई हैव टू से दैट इज सो डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम मोहम्मद फहद। लुक एट द प्लेयर ही हैड ऑन द लेफ्ट, ऑल ही हैड टू डू वाज मेक अ पास, व्हाई हैज ही गॉन फॉर गोल देयर? इट वाज अ 2-on-1 सिचुएशन, is when you want your forwards not to be selfish. You want them to take attempts on goal, you want them to create chances, but not in moments like these. Yatish Kumar, number 9. Well, dobara se ball unhi ke paas hai. Harshdeep, ball ko minus kiya. Finally trap ho gayi hai D ke bahar se. Kya pressure banaya hai Bangalore ne. A little bit of complacency though from Bangalore University Karnataka. They are creating the chances, but they are not taking them. It's a little bit of lack of focus inside the circle from them. They need to be more clinical. They need to convert the chances that they are making. Banaras Hindu University, will they finish the third quarter strongly like they finished the second? Less than 3 to go. Harshdeep again. Team ke sabse mehnatkash khiladi Harshdeep rahe hain. Iklota goal Harshdeep ne kiya hai. यहाँ देखिए कितनी बुरी तरह से आउट नंबर करके रखा है रेड जर्सीज ने ब्लू जर्सीज को। ट्रांजिशन में अटैक टू डिफेंस, डिफेंस टू अटैक, बैंगलोर यूनिवर्सिटी जबरदस्त कर रहे हैं। कंप्लीटली लॉस्ट फोकस हियर एंड दिस इज द सेव बाय द गोली ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बट ही शुड नॉट हैव बीन मेड टू सेव द बॉल। देयर वाज क्लियरली अ प्लेयर एट द सेकंड पोस्ट, वेल डन देयर बाय मनीष कुमार यादव, बट नॉट सो वेल डन बाय मोहम्मद फहद भी है। इनफैक्ट आकाश पाल को अब गोल में खड़ा कर दिया है बीएचयू ने, क्योंकि मनीष पहले ही 4 गोल कंसीड कर चुके थे। टॉकिंग अबाउट बनारस एंड टॉकिंग अबाउट पाल, राजकुमार पाल भारतीय टीम के नए सितारे बने हैं। यहां सितारा बनने का मौका, गोलकीपर इतने एडवांस थे, यतीश कुमार फिर से मिस कर गए। कितने चांसेस मिले हैं बैंगलोर यूनिवर्सिटी कर्नाटका को, ओपन चांसेस आप कह सकते हैं। ये एक और मौका था उनके लिए, 5-1 स्कोर लाइन होना ही चाहिए था वहां पर गोल, मगर नहीं कर पाए बैंगलोर यूनिवर्सिटी कर्नाटका। व्हाट अ चांस दैट वाज सुनील, गोलकीपर ने गोल छोड़ दिया है। चलिए दोबारा से अटैक उन्हीं का है, इस बार साथी मौजूद है एस हर्षा, एक गोल हर्षा के नाम पहले ही है। ट्रैपिंग में थोड़ी सी देरी हुई है, टोमाहॉक लगा है। सेट पिछले 3-4 मिनट से वन वे ट्रैफिक और ये सारे के सारे कन्वर्ट होने वाले चांसेस गवाए हैं बेंगलोर ने। एंड दे आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर द क्वार्टर ब्रेक, सो नील दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दे कांट वेट टू गेट बैक इनटू द शेड, टेक इंस्ट्रक्शंस, टेक फ्लूइड्स ऑन, एंड दिस शुड हैव बीन गोल नंबर 5 अगेन फॉर बेंगलोर यूनिवर्सिटी कर्नाटका। एज इट इज, इट्स स्टिल 4-1, वन ऑफ द प्रोबेबली द फाइनल अटैक फ्रॉम बीएचयू ऑफ द थर्ड क्वार्टर। राजीव रंजन, कमाल का एंटीसिपेशन एसी सुब्रमणि की तरफ से। He was not sure what was behind him, so he did the right thing. He put the ball out of play, taking no risk. They don't need to take any risk. They need to be playing risk-free hockey here. And I can't see that sense of urgency from the players of Banaras Hindu University. There's less than half a minute to go. They need to up the tempo here. Put the ball into the circle. Hit it in. यहाँ फिर से देखिए, किसी भी बीएचयू के प्लेयर की स्टिक नहीं लगी थी, लेकिन अगेन बेटर सेव देन सॉरी,
अब तो चूंकि ऑन गोल का रूल भी नहीं है, बीच में कुछ महीनों के लिए ऑन गोल का रूल आया था कुछ साल पहले और गोल कीपर सबसे ज्यादा परेशान हुए थे ऐसे चांसेस को रोके ना रोके कहीं ऑन गोल ना हो जाए। लेकिन एक गोल इस क्वार्टर में जरूर हुआ है, वो भी पवन मधुविलार ने किया था बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के लिए, और कम से कम दो आसान मौके यतीश कुमार ने गवाए हैं। 4-1 से बेंगलुरु यूनिवर्सिटी BHU पर आगे है, एक क्वार्टर का खेल बाकी है, क्या BHU वापसी करेगी या बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कल फाइनल खेलेगी। अगर घुमा कर इधर ले आए तो हॉकी की बड़ी खूबसूरत नीली टर्फ लगी हुई है, ये ट्विन पिचेस हैं, एक रग्बी और दूसरी हॉकी। हॉकी पे हमारी नजर फिलहाल है, रग्बी पे कल होगी, हॉकी पर भी कल होगी, दोनों फाइनल हॉकी के मेन विमेन सुबह सुबह आपकी पेशे खिदमत होंगे और उसके बाद रग्बी के फाइनल भी आप देख पाएंगे। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कर्नाटका खेल रही है BHU बनारस से, और इसके बाद जो दूसरा सेमीफाइनल होना है उसमें MDU रोहतक खेलेगी बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, यानी कल जो मेंस फाइनल होना है हो सकता है ऑल बैंगलोर फाइनल हो। सिद्धार्थ पांडे का कमेंट्री बॉक्स में फिर से स्वागत है, मैं हूं सुनील तनेजा। थैंक यू सुनील। 4 में से 2 सेमीफाइनलिस्ट मेंस हॉकी में कर्नाटका के यूनिवर्सिटीज थे, बैंगलोर के यूनिवर्सिटीज थे, और एक ने लीड बना ली है जबरदस्त यहां पर तीसरे क्वार्टर में, 4-1 की लीड बन चुकी है बैंगलोर यूनिवर्सिटी कर्नाटका की। क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मैच में वापसी कर पाएंगे? सिर अगर मान लीजिए दोनों ये सेमीफाइनल, ये तो खैर बैंगलोर यूनिवर्सिटी लुक्स वेरी मच फेवरेट, अगला अगर बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जीतती है तो आप इसका महत्व देखिए, पूरे देश के इतने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज आती हैं, फिर स्टेट का एक शहर है जहां से 2 यूनिवर्सिटीज आती हैं। क्या जबरदस्त पास मिला है, टोमाहॉक बिल्कुल ऑफ टारगेट, अब बैकहैंड शॉट लगाना, दीपक ठाकुर से भी अगर आप पूछेंगे तो वो यही कहेंगे हमें खुद नहीं पता बॉल कहां जाएगी, बॉल मिलती है हम बस गोली दाग देते हैं। फिरोज बहुत निराश होंगे, टोमाहॉक तो बात में आया मगर फॉल्टी ट्रैपिंग की वजह से वो मौका गवा बैठे हैं वहां पर फिरोज आलम। वेरी पुअर ट्रैपिंग बाय द बॉय फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देयर वाज अ मोमेंट वेयर ही वाज 1-on-1 with the goalkeeper but just could not make the most of that, and 4-1 Bangalore University Karnataka, they had a beautiful opportunity. Bangalore University Karnataka at the starting exchanges of the third quarter got their fourth goal and they have not conceded one since. Banaras Hindu University through Firoz Alam had that wonderful opportunity to at least take an attempt on goal, it was a poor attempt on goal in the end, all down to faulty technical skills. सिर्फ गोलकीपर को बीट करना था आपको, एमले के आज स्कोर नहीं कर पाए हैं, काफी नजरें थी हमारी, हैं अपन्ना फर्स्ट 11 में शामिल थे, उतना ज्यादा रोलिंग सब्स्टिट्यूट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कोचेस जितना आप इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं, डिपेंड भी करता है कि आपके बेंच पर कितने अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। अब BHU ने अपना गोलकीपर जरूर चेंज किया था, शुरुआत की थी मनीष कुमार यादव से लेकिन 4 गोल कंसीड उन्होंने किए तो आकाश पाल अब उनका गोल संभाल रहे हैं। हमने तीनों गोल देखे, लाइव देखे सुनील, कमेंट्री हम कर रहे थे और दोनों को हम कहना होगा कि आकाश पाल उन गोल्स पर ज्यादा कुछ, मनीष कुमार यादव माफ कीजिएगा, ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, खास करके जो तीसरा गोल हुआ था सोमन्ना का, वहां BHU के दोनों गोलकीपर भी होते गोल में तो भी वो बचाव नहीं होना था। गुड डिफेंडिंग, विरोधी खिलाड़ी के सामने आके बॉल को सर्कल से बाहर निकाला और यहां एक प्लेयर रखा नहीं था काउंटर अटैक बनाने के लिए, तो ज्यादा अब नजरें बैंगलोर की डिफेंडिंग में है, लेकिन जब भी ट्रांजिशन होता है तो हमेशा नंबर्स में आते हैं बैंगलोर के प्लेयर। ये हैं चेल्सी में डप्पा जिन्होंने बॉल छोड़ी है एस हर्षा के लिए, ट्रैपिंग अच्छी नहीं है, यहां BHU को पोजेशन मिलेगी। डिसअपॉइंटिंग स्ट्रक्चर बाय BHU when they are in the attack, they've got 2 very deep defenders standing very deep in their own half, there's no need for that, push up, the entire team needs to push up, you're trailing by 3 goals, you need attempts at goal, you need penalty corners, you need goals. Becoming too defensive, ab coach Pradeep Khalko hain jinse ummeed kar sakte hain wo bhi ek defender rahe honge apne time pe, lekin ab defend karke match nahi jeet sakte, ab 3 goal se haare, 6 goal se haare, इस लेवल पे हार हार है और फाइनल नहीं जा पाएंगे, जाने का एक ही रास्ता है स्कोर करना पड़ेगा और उसके लिए नंबर्स में अटैक करना पड़ेगा जैसे बैंगलोर करती है, हालांकि बैंगलोर ने भी अब नंबर कम कर दिए हैं, सिर्फ 3 ही प्लेयर हैं जो 23 मीटर लाइन के आगे हैं, तो थोड़ा सा उन्होंने भी स्ट्रक्चर बदला है। हां मगर उनका जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर रहा है पूरे गेम में
काबिल तारीफ बैंगलोर यूनिवर्सिटी कर्नाटका का हर्षदीप और एडवांस रोल में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा ट्रैप, मौका बन सकता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए। गुड डिफेंडिंग, वन ऑन वन में बीट किया गया अनवरुल्ला को, बट दे स्टार्ट विद अ फ्री हिट। राजीव रंजन, डिफ्लेक्शन हुआ है, बॉल उसके बाद छिटक के चली गई, वहां कोई पीएचयू का प्लेयर नहीं था। मिडफील्ड में ऐसे मौके में प्लेयर छोड़ के क्या करेंगे, आपको डी में प्लेयर चाहिए। ये देखिए पूरा मौका था बीएचयू के पास एंड नॉट इवन ऑन टारगेट, कोई प्लेयर उधर मौजूद नहीं अपने डी में। बैंगलोर यूनिवर्सिटी ने आउट नंबर किया हुआ है डिफेंडर्स ने अटैकर्स को, ये एक अवसर बन सकता है। 1-2-1 खेलने की कोशिश है, नहीं जब पास दिया गया पवन की तरफ से, खैर अभी भी चांस है, छीन लिएगी उनसे, अच्छा चांस था पवन के लिए। हर्षदीप अगेन, निराशाजनक, आपके पास अटैक में भी ओवरलोड नहीं है, डिफेंस में भी ओवरलोड नहीं है, बीएचयू स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। प्रयास गोल पर, कोई परेशानी नहीं सुब्रमण्य के लिए, और बॉल डेंजरस करार कर दी गई थी, जो बॉल कार्पेट से उठती है, टर्फ से उठती है, बैकस्टिक, ये जो बैकस्टिक आप नहीं लगा सकते, क्रिकेट में उल्टा बैट लगा सकते हैं, हॉकी में नहीं स्टिक लगा सकते उल्टी। डेंजरस बॉल भी थी, वो भी अलाउड नहीं है। अपन्ना, एक प्लेयर है जो 23 मीटर लाइन तक पहुंचा है, चेल्सी मिडप्पा, तो नए प्लेयर्स को अब भेजा जा रहा है अटैक करने के लिए, ज्यादा ध्यान मिडफील्ड और डिफेंस में है, और डिफेंसिव ओवरलोड है। 4-2, 5-2, ये होता है उसका फायदा। कई सारे सर्किल एंट्रीज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, कोई खास फायदा नहीं उठा पाए इन मौकों का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और अब डायरेक्ट काउंटर की रणनीति अपना रही है बैंगलोर यूनिवर्सिटी कर्नाटका। चेल्सी से बॉल छीन ली गई है, सिर्फ 3 फॉरवर्ड्स के साथ इस समय खेल रही है बैंगलोर यूनिवर्सिटी, उतने नंबर्स में अटैक नहीं कर रहे जितने नंबर्स में पहले कर रहे थे, और जरूरत नहीं है उनको, 3 गोल्स का अच्छा खासा क्वेश्चन है, सिर्फ 9 मिनट उनको डिफेंड करना है। आखिरी 9 मिनट में अगर आपको लगता है कि इस टेम्परेचर में आपके फॉरवर्ड चैनल्स में भागेंगे, उस बॉल को रिसीव करेंगे, तो आप अपने प्लेयर्स को नहीं जानते, क्योंकि इतना स्टैमिना इस लेवल पर बहुत मुश्किल है। सिर्फ बहुत सारे सब्स्टिट्यूट में भी नहीं दिखाई दे रहे इंटरनेशनल मैचेस में, या इवन नेशनल लेवल मैच में आपको खिलाड़ी साइड लाइन पर खड़े दिखते ही दिखते हैं हर समय। शमंत, पहला गोल करने वाले प्लेयर, उनके पास बॉल है, अच्छा पास दिया गया, गोल नंबर 5 बचाया इस बार आकाश पाल ने, बेहतरीन अटैक, अच्छी गोलकीपिंग। Can't believe they have missed that, to be honest, Sunil. They have created a penalty corner and I think Shamant has pulled up his hamstring. He's just feeling that at the moment. How can you miss that? That is Likhit. All he had to do was beat the keeper who has done ever so well. Akash Pal in goal for Banaras Hindu University has once again kept his team in the game. It is still 4-1. 5th penalty corner Bangalore University ke liye. केसी बोपन्ना दिखाई दे रहे हैं नंबर 4 में, क्या बीपी सोमन्ना भी आएंगे? बिल्कुल, सोमन्ना भी मौजूद हैं, इंजेक्ट करेंगे पवन 2 गोल कर चुके हैं। यह प्रयास बैंगलोर यूनिवर्सिटी का वेरिएशन, अच्छी डिफेंडिंग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। पेनल्टी कॉर्नर्स में स्टार ना ट्रैक फ्लिकर रहे ना हिटर्स रहे, राजीव रंजन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लाइन डिफेंडर जो है, जो सेव्स उन्होंने किए हैं, गोल लाइन सेव्स जबरदस्त, और सेकंड वाला तो कमाल का था, वर्ल्ड क्लास सेव था उनका। और अब अटैक में थोड़े ज्यादा, सोमन्ना को भी अब अटैक में भेज दिया गया है जिनके पास बॉल है। सोमन्ना अंदर जाके भिड़े हैं, पेनल्टी कॉर्नर उन्होंने जेनरेट करवाया है, छठा बेंगलोर के लिए। मोहम्मद सलमान खान अंपायर से कह रहे हैं कि दूसरे अंपायर से सलाह मशवरा कर ले, मेरा क्लीन टैकल था। He has a point. That was a pretty clean tackle. Maybe it was pulled up for the first foul. और एक ग्रीन कार्ड दिया गया है राहुल पटेल को, ग्रीन कार्ड यानी कि 2 मिनट का सस्पेंशन, टेक्निकल बेंच के पास उनको बैठना पड़ेगा।
इससे ज्यादा और बुरा क्या हो सकता है बीएचयू के लिए? यू आर थ्री गोल्स डाउन, आपके विरोधी को पीसी मिला है और आपका एक प्लेयर भी नहीं है। या मोहम्मद आमिर खान का तो क्लीन टैकल था, मगर उसके पहले राहुल पटेल का जो टैकल था उस वजह से पेनल्टी कॉर्नर मिला है। वेरिएशन बैक टू द पुश, एक और चांस बैंगलोर यूनिवर्सिटी कर्नाटका के लिए। इट शुड हैव बीन हाफ अ डजन बट स्टिल अलाइव एंड विल दैट बी काउंटेड एज डिलिबरेटली ओवर द लाइन? नो इट हैज नॉट बीन एंड ऑल दे विल गेट इज अ लॉन्ग कॉर्नर बैंगलोर यूनिवर्सिटी। लगातार दूसरी बार वेरिएशन करवाया। सोमन्ना देखिए हट गए थे, जिस खिलाड़ी ने पुश किया उसी को बॉल दी, जिसे बैक टू पुशर कहते हैं, वो कामयाब नहीं हुआ। और ऐसी वेरिएशन में स्पीड जल्दी होनी चाहिए, इनफैक्ट एक डिफेंडर पुशर के पास भी पहुंच गया था। सो बैंगलोर यूनिवर्सिटी 6 पेनल्टी कॉर्नर गवा चुकी है। द कोच विल नॉट माइंड एज लॉन्ग एज उनके प्लेयर चार चार पांच पांच फील्ड गोल करते रहे। ऑलरेडी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को 5-0 से इन्होंने हराया था। एमडीयू रोहतक को 2-0 से हराया था, जामिया मिलिया को 5-0 इन्होंने हराया था, काशी विद्यापीठ ने इनफैक्ट मैच अपना फोरफिट किया था। तो 5-0, 2-0 ये इनके खेले हुए मैचेस के रिजल्ट हैं। और पहली बार गोल कंसीड किया है बैंगलोर यूनिवर्सिटी ने, पता चलता है कि उनके क्या प्रतिभा है। लुक एट दिस ओवरलोड, इट इज अ 3-on-2 अटैकिंग ओवरलोड, व्हाट अ चांस एंड व्हाट अ गोल, गोल नंबर 5 बाय यतीश फॉर बैंगलोर यूनिवर्सिटी कर्नाटका। आफ्टर मिसिंग ऑल दोस चांसेस, Bangalore University Karnataka have finally bettered their lead and you can't say they don't deserve it. They have been so dominant, Sunil. Look at this. पहले कहते थे कि जैसे ही प्लास्टिक चूने को छुए तो लकड़ी की आवाज आनी चाहिए, अब चूना तो नहीं है, पेंट है, लेकिन जैसे ही बॉल डी के पास पहुंची, यतीश ने टॉप ऑफ द डी बीट किया गोलकीपर के सामने, उसको टॉप ऑफ द डी बीट करना यानी कि गोलकीपर को खता बताना है। ऐसे गोल सेव हो जाते हैं, लेकिन यतीश फाइनली 2 मिस किए, 1 कन्वर्ट किया। Often blame goalkeepers for conceding goals, but the truth is in modern hockey they need protection. The defenders have to protect their goalkeepers. There was no protection there whatsoever for the BHU goalkeeper. Open chance given to Bangalore University Karnataka, which they welcomed with open arms. अब तो सब्स्टिट्यूट होने चाहिए। इनफैक्ट एक प्लेयर खड़ा है साइडलाइन पर बैंगलोर यूनिवर्सिटी का। कोच मनोहर कटके साहब को चाहिए अपने सारे मेन प्लेयर्स को बाहर बुलाएं। यही वो प्लेयर है यतीश, अभी भी अटैक में है और अभी भी ऑफेंसिव ओवरलोड है। छठा गोल आना चाहिए, नंबर 13 गोलकीपर को बीट किया। और क्या बात है, शमंत ने पहला गोल किया था, शमंत ने छठा गोल भी किया है, आधा दर्जन गोल स्कोर कर दिए हैं बैंगलोर यूनिवर्सिटी ने। वेयर इज द बीएचयू डिफेंस, दिस इज सो पुअर फ्रॉम देम। Easy 1-2, there goes the reverse flick and an easy tap in. Look at that defensive overload, brilliant shot there to show what exactly happened. And it is turning in the fourth quarter into a rather one-sided encounter. We said Bangalore University Karnataka are the favorites. They are proving to be exactly that. They are marching towards the finals. अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में ये बैंगलोर यूनिवर्सिटी का और किसी भी यूनिवर्सिटी का। वो गोल दिया गया है यतीश कुमार के खाते में, खैर उनके कोच को फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी प्लेयर गोल करता रहे। सबसे ज्यादा गोल एक मैच में किसी टीम ने किए हैं तो इस मैच में बैंगलोर यूनिवर्सिटी ने 6 किए हैं, और उसको बेहतर करने के लिए अभी भी मौका है, अभी भी उनके पास टाइम है। हर्षदीप क्रॉस, मगर नो चांस, देयर वाज नो प्लेयर देयर ऑन द सेकंड पोस्ट, इट वाज नॉट इवन एन अटेम्प्ट ऑन गोल एंड देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ टाइम रिमेनिंग एंड इफ देयर इज व्हाटएवर टाइम देयर इज, इट्स डिफिकल्ट टू से दैट बैंगलोर यूनिवर्सिटी वोंट बी क्रिएटिंग मोर ऑफ द चांसेस इन द फोर्थ क्वार्टर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देयर चैलेंज हैज कंप्लीटली कोलैप्स्ड, लेस देन 5 मिनट्स टू प्ले। आई थिंक इज अ बैंगलोर यूनिवर्सिटी प्लेयर नंबर 6 लिखित, हु हैज जस्ट हर्ट हिज right knee, we just hope he's all right. Very important player for his team. Likhit, badi hairani ki baat hai, isse pehle 2 goals score kiye the league matches mein, Likhit ne aaj score nahi kar paaye hain. Sabse khatarnak khiladi apni team ke yahi mane ja rahe the, but he will not complain, the coach Manohar Katke will not complain. Chivant number 2 substitute hone ko taiyar hain. Aapki team ke 4 alag alag players ne aaj score kiya hai. Yatish ne
दो गोल किए हैं, पवन ने दो गोल किए हैं, शमंत ने स्कोर किया है, बीपी सुमन्ना जो ड्रैग फ्लिकर हैं उन्होंने टॉमहॉक से स्कोर किया है। कोच विल नॉट कंप्लेन, इरादा अभी भी स्कोर करने का था। नंबर 15 चेल्सी में डप्पा सेकंड पोस्ट से आ रहे थे। सुपर बॉल प्लेड अक्रॉस द फेस ऑफ गोल। नंबर 15 चेल्सी मदप्पा हैड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बट जस्ट कुड नॉट गेट द फाइनल कनेक्शन। ही विल नॉट बी हैप्पी प्रदीप खालको। University Karnataka still at it. They're leading by 5 goals here. They've got a massive lead and it's difficult, very difficult to see. Bangalore, Banaras Hindu University come back into this game. The challenge, as I said, has completely collapsed. दीपक ठाकुर को याद करते करते कमेंट्री बॉक्स के बाहर बैठे थे, जैसे टॉमहॉक से स्कोर करते थे वैसा उन्होंने स्कोर देखा भी है, तो हमने सोचा क्यों ना ठाकुर साहब को कमेंट्री बॉक्स में इनवाइट किया जाए। भारत के पूर्व ओलंपियन अर्जुन अवार्डी दीपक ठाकुर, वेलकम टू कमेंट्री बॉक्स बाजी। शुक्रिया सुनील, काफी लंबे अंतराल के बाद आपके साथ मुलाकात होती है कॉम बॉक्स में। लेकिन खूबसूरती देखिए गेम की, ये वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं मिस थे, उन्हें आज एक प्लेटफॉर्म मिला है और क्या खूबसूरती के साथ उन्होंने अपना गेम खेला। जिस तरह के फील्ड गोल देखने को मिले हैं दीपक, जो सुमन्ना ने टॉप ऑफ द डी टॉमहॉक लगाया था, अंदर से तो आपका दिल भी खुश हो गया होगा, ये तो मेरे वर्ग का गोल कितना मुंडे ने। देखिए यही खूबसूरती है हॉकी की, और जिस ढंग से अब ये इस मूव को देखिए, और अभी भी ग्रीन कार्ड मिला है शिवंत को जो कि बैंगलोर यूनिवर्सिटी के प्लेयर हैं। 2 मिनट यानी तकरीबन पूरी अवधि इस मैच की जो बची हुई है वो खेल नहीं पाएंगे, बट कोच विल नॉट माइंड। टीम के पास 5 गोल का कुशन है। और दीपक आपने पूरा मैच देखा, बीएचयू के प्लेयर्स की टीम में से क्या आपको कमी नजर आई है? सुनील अगर बात करूंगा बीएचयू की तो काफी इंडिविजुअल प्ले की उन्होंने खेला है और मुझे नहीं लगता कि आज की हॉकी में इतना जरूरी है इंडिविजुअल प्ले करना। और वहीं अगर दूसरी बात कर्नाटका की जाए, क्या खूबसूरती के साथ उन्होंने 1-1 पासिस खेले हैं, उनमें तालमेल देखने को अच्छा मिला और यही खूबसूरती है आज की हॉकी की। और वो जो हम बात करते हैं इंडिविजुअल प्ले, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। या तो पर आप इतने इंडिविजुअल हों कि धनराज पिल्ले की तरह अपनी डी से दूसरी डी पे जाके गोल करें, उसके जमाने रवाने हो चुके हैं। सिद्धार्थ भी यही बात कर रहे थे। ओवरऑल अगर दीपक देखें, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आप डे 1 से जुड़े हुए हैं, आपको हमने फेंसिंग में देखा है, बैडमिंटन में देखा है, स्विमिंग में, और हॉकी में तो ऑफकोर्स आना ही था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को जितना आपने ऑब्जर्व किया है, क्या विचार है? सुनील ये एक कड़ी कहीं ना कहीं मिस थी, स्कूल गेम्स यूथ हुए उससे पहले, उसके बाद कभी हमने तवज्जो नहीं दी यूनिवर्सिटी गेम्स के ऊपर। और अगर हम यही अमेरिका की बात करें या यूरोपियन हॉकी की बात करें तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी लेवल का स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है, तो ये एक सेकेंड लाइफ लाइन हो सकती है प्लेयर्स के लिए जो अपनी अर्ली स्टेज में अपने आप को क्लिक नहीं कर पाए। लेकिन ये मौका है दिखाने का और नेशनल टीम में कहीं ना कहीं जगह बनाने का, तो मैं समझता हूँ जिस ढंग से प्लेटफॉर्म दिया गया है बहुत ही बेहतरीन है। और उस बेहतरीन मौके को दोबारा से कैश करवाने का मौका आया है बैंगलोर के पास। 7वां पेनल्टी कॉर्नर उनको मिला है। सीधी बॉल पैर पे लगी है, सीधी बॉल पैर पे लगी है, डी के अंदर डिफेंडर है, स्टिक जमीन से ऊपर उठाई हुई है, तो आप अपनी मुसीबतों को न्योता दे रहे हो। और बैंगलोर ने अब तक पेनल्टी कॉर्नर से स्कोर नहीं किया है और मुझे लगता है ये गोल होगा। चलिए दीपक ठाकुर आए हैं, देखते हैं बैंगलोर यूनिवर्सिटी। ट्रैपिंग में दिक्कत, चांस अभी भी गया नहीं। यतीश कुमार, अच्छा टैकल वहां हर्षदीप का, और काउंटर की तैयारियां बीएचयू की तरफ से। मोहम्मद सलमान खान साथ में है, फिरोज आलम। फाइनली इधर नहीं दूसरी साइड गोल हुआ। देखिए मैंने कहा था ये गोल होगा, वही मूव में गोल हुआ है, तो ये खूबसूरती है हॉकी की। सेकंड्स में कहां पे गोल होना चाहिए था और कहां पे हुआ, तो ये है आज की हॉकी, इतनी फास्ट हो चुकी है, कहना मुमकिन है कि कौन गोल कर सकता। क्या खूबसूरती के साथ, क्या पास दिया, बैकहेंडर लगाया था, लेकिन खूबसूरती के साथ उन्होंने उस बॉल को डिफ्लेक्ट किया गोल के अंदर।
फिरोज आलम का बैकहैंडर था और कैप्टन गौरव कुमार कनौजिया ने अपनी टीम का दूसरा गोल स्कोर किया है। खुद गौरव का ये पहला गोल है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। परेसी सुब्रमणि पर बहुत परेशान नहीं होंगे, चार गोल का अच्छा खासा मार्जिन, एक मिनट का टाइम बाकी है। कैप्टन गौरव कुमार कनौजिया, समथिंग टू चीयर फॉर हिम बट टू लिटल टू लेट। दूसरा सेमीफाइनल जो इस मैच के थोड़ी देर बाद शुरू होगा, वहां भी बैंगलोर की एक और टीम है, बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सामने होगी रोहतक की MDU, एक बड़ी मजबूत टीम है हॉकी में। आखिरी आधा मिनट है, क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक और मुस्कान अपने लिए निकाल सकती है? दीपक, आपने ओडिशा में यहां भारत के मैच भी देखे हैं FIH प्रो लीग में, कुछ अद्भुत हो रहा है भारतीय हॉकी में? बिल्कुल, हॉकी बिल्कुल बदल चुकी है, जिसकी हम बात करते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए थी हॉकी में, बिल्कुल अब देखने को मिलती है। और यकीन मानिए, इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि ओलंपिक्स में बादल कहीं ना कोई मेडल जरूर लेगा। आपके मुंह में घी शक्कर पाजी, वो घी शक्कर से जो वेट बढ़ेगा वो आप जिम में कम कर लोगे, लेकिन आपके मुंह में घी शक्कर। पूरा भारत कह रहा है कि इस बार ओलंपिक में गोल्ड आएगा। फिलहाल गोल्ड की तरफ बढ़ चुके हैं बैंगलोर यूनिवर्सिटी कर्नाटका, जिन्होंने एक तरफा तरीके से इस सेमीफाइनल को जीता है, 6-2 की बड़ी जीत हासिल की है। और पूरे मैच में अगर पहला क्वार्टर छोड़ दें तो उसके बाद वन वे ट्रैफिक देखने को मिला है। बेलियप्पा स्कोर कर तो नहीं पाए, लेकिन उनकी टीम ने अब तक का सबसे बेहतरीन खेल दिखाया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, 6 गोल स्कोर किए हैं और बैंगलोर यूनिवर्सिटी कल फाइनल में खेलती नजर आएगी। 2 गोल स्कोर किए नंबर 9 यतीश कुमार ने, पवन मधिविलार ने 2 गोल स्कोर किए और 6-2 के बड़े मार्जिन से बैंगलोर यूनिवर्सिटी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को हराया है और मेंस हॉकी के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। ला लेते हैं कुछ हाइलाइट्स पर, जो अटैक हुए बेस लाइन अटैक था और यहां से गोल स्कोर करना अद्भुत काम, CS जमंत ने अपनी टीम के लिए गोल्स का खाता खोला था। अगला अटैक राइट फ्लैंक से हुआ, पहला लेफ्ट से हुआ था, दूसरा राइट से हुआ और लगातार डिफ्लेक्शन से गोल करने की कोशिशें हो रही थी। फाइनली पवन मधिविलार ने बॉल को डिफ्लेक्ट किया, टीम का दूसरा गोल उन्होंने स्कोर किया और उसके बाद ये दीपक ठाकुर का काफी सारे इंटरनेशनल गोल्स का रीप्ले, टॉमाहॉक BP सुमन्ना ने लगाया, एक गोल वापस खींचा हर्षदीप ने, थोड़ा सा डिफेंसिव और गोल कीपिंग लैप्स हुआ और हर्षदीप कपूर ने टीम को एक गोल दिलवाया। उसके बाद तीसरे क्वार्टर में आके तो ऐसा लगा कि शायद सुस्त पड़ गई है डिफेंस लाइन और गोलकीपर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। 4th गोल पवन मधिविलार ने किया अपनी टीम के लिए और अटैक यहीं नहीं रुके, राइट फ्लैंक से पवन ने ही अटैक बनाया था और टॉप ऑफ द डी जबरदस्त गोल स्कोर किया गया। 5th गोल यतीश कुमार की तरफ से, जो 2 चांसेस पहले मिस कर चुके थे। और ये आखिरी गोल, इसकी नींव यहां यतीश ने रखी थी, कोई डिफेंडर नहीं था और फिनिश भी यतीश ने किया, पास उनको शमंत का मिला था। 2 प्लेयर्स में जबरदस्त टारगेट और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को जाते जाते आखिरी क्वार्टर में एक कॉन्सोलेशन मिला, अब उससे कितने खुश होंगे। अच्छा प्रयास और अच्छा कन्वर्जन गौरव कुमार कनौजिया का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैप्टन सुब्रमणि यहां भी।